हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव नम्र संघ इस्कॉन कटक की ओर से इस संडे प्रोग्राम में। और आज हमारा चर्चा का विषय है काफी इंटरेस्टिंग, इस वर्क वर्शिप, क्या कर्म ही पूजा है, इस ड्यूटी गॉड, क्या अपना कार्य करना ही भगवान है। तो हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले शुरू करते हैं मंगलाचरण से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों जो है क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? मैं चेक करता रहूंगा चैट बॉक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तबहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं। नमाओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हाँ शिवम प्रो, इसको आप ये जो वर्स का लिंक दिया हुआ है इसको कॉपी करके गूगल पे डाल सकते हो, आई मीन क्रोम पे, शायद खुला भी होगा नहीं तो, क्योंकि somehow ये हाइपरलिंक पेस्ट नहीं हो रहा था इसमें, आई डोंट नो व्हाई, जब मैं इसको बना रहा था तो। ठीक है, तो हमारा चर्चा का विषय है इस वर्क वर्शिप, क्या कर्म ही पूजा है, क्या कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो वो ऑलरेडी भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, उसको अलग से कुछ करने की क्या आवश्यकता है इत्यादि। ठीक है, तो इसके लिए जो फेमस वर्स है जो लोग बहुत कोट करते हैं और जो सामान्य तौर पे लोग जिसके बारे में बात करते हैं, है ना, चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, आप लोग भी गूगल पे खोल सकते हैं। आप लोग टाइप करेंगे बीजी स्पेस 2.47 तो खुल जाएगा, भगवद गीता 2.47। तो ये फेमस श्लोक है, सब जानते हैं इसका पहला दो लाइन एटलीस्ट, तो हम लोग साथ में मेरे पीछे आप दोहराएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसकी पहली दो लाइन बहुत फेमस है लेकिन आखिरी दो लाइन फेमस नहीं है क्योंकि कुछ लोग जो है हम लोग सिलेक्टिव होना चाहते हैं। जैसे कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि जो मीठी मीठी दवाई है गोली वो खा लें और कड़वे कड़वे पिल्स ना खाएं, पर ऐसे क्या वो ठीक होंगे? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव लेते हैं भगवद गीता को, जो चीज़ हमको पसंद है उसमें से जो ले लेते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी को मैच कर रही है, बट देन फिर हमारी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, वो हैप्पीनेस नहीं आती, और हम सोचते हैं अरे क्या गीता में तो कुछ मजा नहीं आया क्या, वही तो बातें हैं नॉर्मल बातें हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कर्मणि, तो कर्म मतलब क्या होता है, वर्क, यस। और भी कर्म के कुछ अर्थ होते हैं, कोई जानता है? हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ड्यूटी वो भी, हाँ एक मीनिंग है कर्म का। हाँ तो कर्म कैन मीन्स
वर्क, इट कैन मीन्स ड्यूटी, इट कैन मीन्स रिएक्शन टू वर्क, इट कैन मीन सिस्टम ऑफ वर्क एंड रिएक्शन टू वर्क लाइक दैट. इस प्रकार के छह मीनिंग अमरकोश डिक्शनरी में है संस्कृत के. पर यहाँ पे कर्म का मतलब है वर्क, कोई कार्य. भगवान बोल रहे हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते. अधिकार मतलब राइट्स, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस में, लाइक राइट फॉर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, है ना, रिलीजियस फ्रीडम, दिस दैट. तो अधिकार मतलब जिसको आप हक से मांग सकते हो, सड्डा हक एथेरक. ये आपका हक है, आप इसको मांग सकते हैं. तो एव मतलब होता है निश्चित, सर्टेनली. तो कर्म पे आपका निश्चित ही अधिकार है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ठीक है. लेकिन भगवान बोल रहे हैं माँ, माँ मीन्स क्या, मैया. नहीं, माँ मीन्स नॉट. तो बोल रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है किसके ऊपर, माँ फलेशु कदाचना. कदाचन मतलब किसी भी समय, फल पे आपका अधिकार नहीं है. फल मतलब, हाँ, जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ क्यों लगाते हैं हम, एक वृक्ष, एक आम का वृक्ष क्यों लगाते हैं, फल के लिए ना. बहुत सारी और चीजें मिल सकती हैं लेकिन मुख्य है फल. तो ऐसे ही व्यक्ति कर्म करता है, उससे उसको कई प्रकार के प्लेजर मिलते हैं, लेकिन उसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो आउटपुट वो चाह रहा है, आइदर मनी और फेम और वॉट एवर, जो भी कुछ भी है, तो वो फल, तो वो फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है. तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए. आपका अधिकार नहीं है, जैसे मेरे घर पे मेरा अधिकार है, पड़ोसी के घर पे नहीं है, है ना. मैं पड़ोसी को नहीं बोल सकता, अरे तुम्हारा घर का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा चेंज कर लो. मैं पड़ोसी की पत्नी को नहीं बोल सकता, अरे ये साड़ी जम नहीं रही है, अब दूसरी पहन लो. बोल सकता है, अपनी पत्नी को बोल सकता हूँ, नहीं. तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि फल पे आपका अधिकार नहीं है, यानी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे एग्जाम में मार्क्स ज्यादा क्यों नहीं आए, मैंने ये एग्जाम क्यों नहीं क्रैक किया, मेरे बिजनेस में मेरा फायदा क्यों नहीं हो रहा है, ये आप नहीं बोल सकते. भगवान ऐसा बोलना चाह रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए. यानी हम जो कुछ भी करते हैं, अल्टीमेटली हमको फल चाहिए और फल के प्रति ही हम लोग आ सकते हैं, हमको फल ही चाहिए. और भगवान बोल रहे हैं फल के बारे में आपकी कोई, आपकी कोई सेइंग नहीं है, आपके बोलने से कुछ होगा नहीं. तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई. नहीं, अब मैं एक स्टूडेंट हूं और अगर मेरा अधिकार ही नहीं है मार्क्स के ऊपर, तो फिर क्या फायदा होगा, लाइक व्हाट इज द वे देन. चलो आगे, जिसको आगे लोग नहीं बोलना चाहते. फिर माँ कर्म फल हेतुर्भूर. तो ये तो ठीक है कि फल पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतु. हेतुर मतलब होता है कॉज, किस कारण से वो हुआ. तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम कर्म फल के हेतु नहीं हो. यानी अगर आपके मार्क्स आ गए 95%, अगर आप IIT क्रैक कर लिए, नीट क्रैक कर लिए, तो वो आपकी मेहनत से नहीं हुआ है. You are not the reason. अगर आपका बिजनेस बहुत चल रहा है तो वो आपके कारण नहीं, या आपने टेस्ट मैच में 100 मार दी, 200 मार दी, तो आपके कारण नहीं. You are not the हेतु. तो ये लाइन कोई नहीं बोलता, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बी द हेतु. सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं कि नहीं ये तो मैंने किया है. फिर तो आप सोचो अरे यार इतना सारा लफड़ा है तो कौन कर्म करे, छोड़ो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार. तो भगवान बोल रहे हैं वो भी नहीं चलेगा. माते संगो, संगो मतलब होता है अटैचमेंट, बंधन. अटैच मत हो किससे, अकर्मणी, कार्य ना करना, मतलब निठल्ले बैठ जाना. तो निठल्ले बैठ जाने से भी आप अपने आप को बांध नहीं सकते, मतलब आपको काम करना है, काम के फल के बारे में आपकी कोई अधिकार नहीं है. फिर अगर अच्छा आ भी गया, चलो आपने उसको किसी और को दे भी दिया, कम से कम अभी तो बोल सकते चलो मैंने किया वो, नहीं वो भी आप नहीं बोल सकते. और आप सोचो करे यार ये सब छोड़ छाड़ दो, तो वो भी आप नहीं कर सकते. आप कुछ भी करोगे तो फिर प्रकृति आपके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से डिजाइन किया है.
तो एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर यूर सेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। या तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे देखेंगे। दोबारा जाइए पीपीटी पे। तो प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने फल के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा, अपने आप को हेतु में नहीं समझूंगा, तो क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस मैन हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ, है ना, या मान लो मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, है ना, तो क्या ये अपने आप में भगवान की परम सत्य की सेवा नहीं है? यही मेरी वर्शिप नहीं है? जो पुजारी जो मंदिर में कर रहा है, क्या वही वर्शिप है? चलिए तो नीचे करते हैं सेकंड। तो भगवान इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। सेकंड स्लाइड पे जाइए। यस, ये वाला श्लोक खोलिए, चैप्टर 3 वर्स 8। चैप्टर 3 इज फेमसली नोन एज कर्मयोग, जिसमें कि कर्मयोग के बेसिक्स शुरू होते हैं और ये खत्म होता है चैप्टर 5 पे। यस, तो भगवान बोल रहे हैं, नियतम क्रु कर्मत्वम कर्म जाजो ही अकर्मणः, शरीर यत्रापि चाते ना प्रसिद्धेद अकर्मणः। भगवान बोल रहे हैं नियत कर्म आपको करना चाहिए। नियत कर्म मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यानी कि इस शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है नियत कर्म और एक होता है नित्य कर्म, या शारीरिक कार्य शरीर से संबंधित, और एक होता है आत्मीय कार्य जो आत्मा के संबंधित है। तो भगवान अभी आत्मा वाले कार्य की बात नहीं कर रहे, पहले तो नियत कर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नहीं तो डॉक्टर हैं, नहीं तो जो भी हैं, तो क्या आपको वो काम करना है कि नहीं? तो भगवान बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल करना है। ट्रांसलेशन पे जाइए नीचे, भगवान बोल रहे हैं नीचे कि परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वन्स फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति की बात, कर्म की बात, योग की बात, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म नहीं करता है तो वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकता, है ना, और शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों? हाँ, लेकिन कोई बोल सकता है नहीं, एक दिन तो वैसे ही शरीर मरना ही है। जैसे कई बार ऐसे लोग नहीं बोलते, जो लोग मतलब सुट्टा वट्टा पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, कि जब तक जवानी है एंजॉय कर लो, बुढ़ापे में देखा जाएगा। बुढ़ापन हम नहीं, हम बुढ़ापा नहीं जाना चाहते, जब तक जवानी है पूरा एंजॉय करेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर ये शरीर को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पास जो समय है, जो क्रूशल टाइम जिससे हम इटरनल हैप्पीनेस के द्वार खोल सकते हैं, वो समय कम हो जाएगा, है ना। जैसे आयुर्वेद में बोला गया है कि हर व्यक्ति की नंबर ऑफ श्वास जो होती है वो फिक्स होती है, कितनी सांसें वो लेगा, है ना। इसलिए दौड़ना भागना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने सांस को स्लो भी करना चाहिए। इसलिए प्राणायाम में क्या हम क्या करते हैं, श्वास की गति को स्लो करते हैं, नहीं जो हमारा रेगुलर ब्रीदिंग रेट से कम करते हैं, और केवल इनहेल और एक्सहेल नहीं करते, उसको रिटेन करते हैं, है ना। एयर को रिटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राणायाम का। तो अगर आपको अच्छा बॉडी लंबे समय तक चाहिए तो जरूर प्राणायाम करें। एनीवे, या एटलीस्ट कीर्तन में पार्टिसिपेट करें, उसमें भी जब जो आप स्वर गाते हैं तो यू विल गेट द सेम थिंग। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि बिना काम किए तो व्यक्ति आत्मा की बात छोड़ दो, शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकता, है ना। चलिए दोबारा जाइए पीपीटी पे। तो प्रश्न उठता है थर्ड स्लाइड पे कि वर्क और वर्शिप, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं या इनके बीच में कुछ कोरिलेशन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जानते हैं? कितने लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है? ये पढ़ा है तो वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़ा है आपने। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट कौन से होते हैं? अच्छा, हमारे अभिषेक प्रभु, चलो एक बार ऑनलाइन लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या गया अभिषेक, कहाँ चल गया? ठीक है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया अभिषेक।
बताइए सबको थोड़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हरे कृष्ण प्रभु। जो जो कॉमन पार्ट नहीं रहता वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है। यस थैंक यू। तो हो सकता है हम उसे बहुत सारे लोगों ने वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़े हों बचपन में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक्सक्लूसिव मतलब कि ऐसी कोई उस वस्तु में कुछ खास क्वालिटी है जो और कहीं नहीं मिलती है ना। जैसे आप न्यूज चैनल वालों के पास जाएंगे, एवीपी न्यूज, आज तक न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, वॉट एवर, सबका हमेशा होता है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नहीं क्योंकि हमारे पास ये इंटरव्यू किसी के पास नहीं है, वो ऐसा बताना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्टर वॉट एवर, या किसी आप डायमंड शॉप पे जाएंगे वो भी बोलेगा एक्सक्लूसिव डायमंड, और कहीं नहीं मिलता लाइक दैट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि दोनों में कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, है ना, जहां उनका कॉमन ग्राउंड हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि वर्क और वर्शिप जो है उनमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही है, है ना। तो वर्क से हम लोग सामान्य तौर पर जो समझते हैं शरीर का ध्यान रखने वाली एक्टिविटीज, और वर्शिप में हम सोचते हैं मंदिर जाना, है ना, विग्रह की सेवा करना, या कोई अलग धर्मों में नमाज पढ़ना इत्यादि, उन रिचुअल्स को वर्शिप माना जाता है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज इंटरकनेक्टेड, इंटरलॉक्ड। एक्चुअली इंटरलॉक्ड होता है ना, जो एकदम ऐसा फंसा होता है कि उनको निकाल पाना कठिन है, तो एक्चुअली इट इज इंटरलॉक्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो अगर बात यह है कि केवल काम करना ही, आप जो भी काम करो वही भक्ति है, वही सेवा है, वही धर्म है, तो एक उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, और जो लोग थोड़े से पुराने लोग हैं वो लोगों ने देखा भी होगा लाइव, डोंकी का। डोंकी किस लिए मशहूर है? लोड लेने के लिए। अगर मैं इनको बोल दूं सार्थक यू आर अ डोंकी, तो मैं ऐसा कब बोलूंगा? जब सार्थक के अंदर में किस प्रकार के गुण देखूंगा तब मैं ऐसा बोलूंगा। अरे लोड लेने पे बोलते हैं क्या? हाँ, जिसकी बुद्धि कम है उसको डोंकी बोला जाता है। नहीं, यू आर एन एस। नहीं, तो प्रश्न ही उठता है कि डोंकी को मूर्ख क्यों बोलते हैं? क्या किया उसने बेचारे ने? ऐसा ऑर्डर फॉलो करता है, तो डिसिप्लिन है, तो अच्छी बात है। ओके, मतलब इनका सार्थक बोल रहे हैं कि वो ब्लाइंडेड है, उसको जो बोला जाता है वो कर लेता है। तो ऐसे तो शीप भी होती है और भी होते हैं। डोंकी के अंदर ऐसा क्या गुण है कि उसको मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ फुलिशनेस माना जाता है? जय बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करता है। ओके ठीक है, तो मतलब ये तो वर्कहोलिक हो गया ना, स्मार्ट वर्क नहीं करता। अच्छा, क्या स्मार्ट वर्क करे बेचारा? वो टीम में काम नहीं करता, टीम में काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता कि जल्दी से काम हो जाए। चलो एक बेसिक बात हम बोल रहे हैं, क्या लगता है ब्रो आपको, क्यों बोलते हैं डोंकी को मूर्ख क्यों बोलते हैं? हम किसी को बोलते अरे प्रद्युम तू तो गधा है, गधा। सुना आपने डायलॉग? नहीं सुना आपने? खिचड़ी नहीं देखा, खिचड़ी सीरियल? चलो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई बोल दे कि तुम तो गधे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो ठीक है, थोड़े खाने के लिए बहुत ज्यादा कहिए। संजय प्रभु थैंक यू, संजय प्रभु के लिए ताली बजा दो सब लोग। ये थोड़े खाने के लिए बहुत मेहनत करता है। मूर्ख मतलब क्या है? जो बुद्धि के मार्ग पे नहीं जा रहा है। तो डोंकी क्या करता है, जो धोबी होता है, अभी तो जमाना चेंज हो गया, पुराने जमाने में क्या करते थे धोबी लोग, डोंकी के ऊपर बहुत सारा लोड रखते थे, बहुत सारे कपड़े। सुना होगा आपने, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लाइक दैट। तो धोबी लोग बहुत ज्यादा जो एनिमल मिसयूज मिसट्रीटमेंट, तो बहुत सारा उसमें लोड रखते थे। और क्या करते थे, डोंकी को जो है घास का लालच दिया जाता था कि उसके सामने घास रखी जाती थी शुरू शुरू में, जब ट्रेन करते हैं तो वो घास के पीछे पीछे चलता है कि हाँ मुझे घास मिलेगी, थोड़ा और बस थोड़ा और करूंगा तो मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते वो कई किलोमीटर चलवा देता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या घास केवल धोबी के पास ही है क्या? अरे सड़क के आजू बाजू में तो कितनी घास होती है, उसको क्यों नहीं खा रहे हो? लेकिन डोंकी सोचता है नहीं, अगर वहां से मुझे घास नहीं मिली तो शायद नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इसलिए वो केवल जो है अपनी
उसके अंदर बुद्धि नहीं है या बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, इस कारण से वो मूर्ख माना जाता है। एक और डोंकी का नाम है, संस्कृत में डोंकी को बोलते वैशाख नंदन, जानते क्यों? डोंकी को बोलते वैशाख नंदन, बड़ा अच्छा नाम है ना वैशाख नंदन, वाह यार बढ़िया सा नाम लग रहा है, कुछ अच्छा सा नाम लग रहा है, नहीं भगवान है नंद नंदन, आपको कोई बोलते वैशाख नंदन ना तो ठीक ही है एक जैसा। अच्छा वैशाख मतलब होता है, आपने सुना होगा एक फेस्टिवल होता है वैसाखी, क्योंकि वैसाख एक महीना है वैदिक कैलेंडर में जो जनरली अप्रैल में आता है ना, मार्च एंड और अप्रैल में शुरू होता है, यानी गर्मियां आ जाती है उस समय। तो जब गर्मियां आती है तब जो डोंकी क्या है उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा रहता है, कैसा रहता है? देखो गर्मियों में घास कम होती है, बहुत समय से बारिश नहीं हुई, इतना हीट है तो वेजिटेशन तो कम हो गई, तो ये डोंकी जो है ये घास की तलाश में है, कुछ खाने पीने की तलाश में है, तो देखता है कि आसपास कुछ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत खाता है खाता है खाता है, तो खाने की तलाश में बहुत आगे निकल जाता है, कई किलोमीटर आगे निकल जाता है। तो बहुत आगे निकलने के बाद जब उसका पेट थोड़ा भर जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल आया, मैंने कितना ट्रेवल किया है, यानी कि मैंने खूब सारा खाया होगा, तो वो उसकी साइकोलॉजी हो जाती है कि मैंने खूब सारा खाया होगा। और जैसे हम बोलते हैं ना, जिसका चंगा होए मन उसका फूले तन, जब व्यक्ति का मन चंगा होता है ना तो व्यक्ति का शरीर भी ठीक रहता है। आप देखो जो लोग मेंटली हैप्पी हैं वो लोग का बीमारी वगैरह कम होगा, शरीर हस्त पुष्ट होगा, नहीं भले कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा खाने पीने का है सब कुछ है, लेकिन अगर मन में मूड ऑफ है मेंटल स्ट्रेस है तो उसका शरीर पे भी वो दिखने लगता है। तो ये जो गधा होता है डोंकी होता है ये बहुत खुश रहता है गर्मियों में कि वाह मैंने कितना सारा खाना खा लिया, देखो मैं कितना दूर से आया हूं, तो इस कारण से वो मोटा हो जाता है। और बाकी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो गर्मियों में पतले हो जाते हैं क्योंकि खाना कम मिल रहा है। आप स्ट्रे डॉग्स को देख सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स बेचारे पतले हो जाते हैं, इवन काउस भी पतली हो जाती है क्योंकि खाने को कई बार नहीं मिलता। लेकिन जब आती है बरसात, जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश का मौसम आता है तो चारों तरफ घास होती है, तो चारों तरफ घास होती है तो सारे जानवर जो है मोटे होते हैं बरसात में या सर्दियों में, नहीं तो। लेकिन ये जो डोंकी है जब सारे जानवर मोटे हो रहे हैं उसमें ही पतला हो जाता है, क्यों? क्योंकि बरसात में जाता है घास खाता है, थोड़ी इधर खाता है थोड़ी इधर खाता है थोड़ी इधर खाता है, थोड़ी देर में पेट भर जाता है, तो पीछे मुड़ के देखता है अरे मैं केवल इतना ही दूर आया, ओहो मैं तो बहुत कम खा पा रहा हूं, शायद मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस कारण से वो जो है दुखी रहता है, इस कारण से वो पतला हो जाता है। तो इस कारण से अब आप बोलोगे ये सब आपको कैसे पता, आपने डोंकी का मन पढ़ाया क्या? नहीं, ये कवियों की कल्पना है लेकिन फैक्ट ये है कि हाँ डोंकी सच में गर्मियों में मोटा होता है और सर्दियों में या बरसात में पतला हो जाता है, तो कवियों ने उसको इस तरीके से समझाया है, इसलिए संस्कृत कवि उसको वैशाख नंदन बोलते हैं कि ये जो है इसको वैशाख बहुत प्रिय है, वैशाख इसका पिता है, तो ये डोंकी का एक नाम है इस कारण से। तो हम देखते हैं कि बेचारा ये डोंकी इतना मेहनत कर रहा है लेकिन हम में से कोई भी डोंकी बनना नहीं चाहता। तो हम लोग क्यों, जब हमारे ह्यूमन वर्क की बात आती है तो हम लोग क्यों वर्कहोलिक बनना चाहते हैं, हम लोग क्यों सोचते हैं कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हम लोग ज्यादा हैप्पी होंगे, तो व्हाई डू वी थिंक लाइक दैट? तो ये इसलिए क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो हमको चाहिए, जो हमारी नीड है वो हमारी ग्रीड से डिफरेंट है, हम नीड और ग्रीड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। हम लोग अननेसेसरली अपने टाइम को अपनी एनर्जी को अपनी इंटेंसिटी को मटेरियल प्रोग्रेस में लगाना चाहते हैं, इसको शास्त्र में बोलते हैं उग्र कर्म। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं अत्याहार प्रयाशश्च, जैसे व्यक्ति को अत्याहार नहीं करना चाहिए, है ना। हमने लास्ट टाइम देखा लास्ट योगी वर्सेस ह्यूमन बीइंग में देखा हमने कि भगवान बोल रहे हैं सिक्स चैप्टर में, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है या जो व्यक्ति कम खाता है, जो व्यक्ति ज्यादा सोता है या जो व्यक्ति कम सोता है वो योगी नहीं बन सकता, रेगुलेटेड होना ही चाहिए।
तो इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक कार्य करता है और जो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता वो भी कर्म योगी नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि जो दिन रात अपने काम में लगा हुआ है वो नहीं समझ रहा है कि वो काम का पर्पस क्या है, व्हाई ही इज डूइंग दैट, और कोई व्यक्ति है जो अपने काम को नेग्लेक्ट कर रहा है, दोनों ही दे विल नॉट बी एबल टू अचीव द फ्रूट ऑफ कर्म योगा, उसके सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि अभी वो एक्टर था ना कर्नाटका, क्या नाम था जिसका भी डेथ हुआ कुछ दिन पहले, समथिंग ठीक है जो भी था, आप लोग समझ गए ना कृष्णन क्या कुछ नाम था समथिंग। तो यंग आदमी था, 40-45 साल का आदमी था, यंग आदमी है, इतने कम उम्र में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। या जो कैफे कॉफी डे का जो था ओनर सिद्धार्थ, वो भी कोई ज्यादा उम्र दराज आदमी नहीं था, लेकिन दोनों के केस में हमने देखा कि दे वर वर्कहोलिक, है ना, दे वर वर्किंग मोर देन व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन बियर। और फिर बॉडी की एक लिमिटेशन होती है ना, धीरे धीरे जो है जब शरीर बूढ़ा होता जाता है उसकी एबिलिटी टू एंड्योर कम होती जाती है, और आप बॉडी को अगर रगड़ते जाओगे तो फिर वो ब्रेकडाउन होगी। ऐसे माइंड की भी एक एबिलिटी है, इंटेलिजेंस की भी एक एबिलिटी है, हाँ उस एबिलिटी को हमें ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो ग्रो ग्रेजुअली होगा, है ना। जैसे अगर हम अपने आप को अच्छी एक सही प्रकार की ट्रेनिंग दें तो हम ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं, ज्यादा घंटे तक मेंटल वर्क कर सकते हैं, ज्यादा घंटे तक इंटेलेक्चुअल वर्क कर सकते हैं, बट इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, है ना। जैसे मान लीजिए आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं, सच में, चलो 2 मिनट तो अच्छा है, 2 मिनट इज बेटर देन एवरेज। तो मान लो अगर 2 मिनट तक ही रख सकते हैं, लेकिन कोई ओलंपिक चैंपियन है, क्या नाम था उसका, माइकल फेल्प्स क्या जो भी, तो वो मान लो 4-5 मिनट रख सकता है, तो आपको बोला हाँ ठीक है आज से तुम 5 मिनट रखो, तो होगा क्या, नहीं मारे जाओगे। तो अगर आपको माइकल फेल्प्स जैसा बनना भी है, आपको चैंपियन बनना भी है, तो वो ग्रेजुअली होगा, 2 मिनट, फिर 2 मिनट 10 सेकंड, फिर कुछ देर बाद 2 मिनट 20 सेकंड, नहीं। तो ये जो मॉडरेशन का भाव है ये होना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण में है रावण का। तो रावण को कुंभकर्ण ने समझाया कि ये जो मनुष्य है ये मनुष्य नहीं है, ये तुम्हारी मौत है, ये राम जो है ये साक्षात विष्णु है। फिर उसके खुद के पुत्र मेघनाथ ने भी समझाया, लेकिन रावण का वाल्मीकि रामायण में डायलॉग ये है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने डेस्टिनी बनाता है, व्यक्ति अपने कर्म से अपना डेस्टिनी बनाता है ना। और जब व्यक्ति अपने कर्म में प्रोफिशिएंट होता है तो प्रकृति को उसके सामने झुकना पड़ता है। जैसे कई बार आप लोग ने सब डायलॉग सुने होंगे, जब किसी चीज को पूरी जिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी आपको उसको मिला देती है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सब डायलॉग्स आप कह सकते हैं वहां से आए। तो ये रावण का कहना था कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। लेकिन हमने देखा था कुछ सेशंस पहले कि देर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ डेस्टिनी, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन, किसी को याद है? आई थिंक 1 महीने पहले क्लास में देखा था, अधिष्ठा नाम तथा कर्ता 18th चैप्टर में। तो हमने देखा था कि 5 फैक्टर होते हैं किसी भी एक्शन के, और सारे फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, है क्या? मान लीजिए आप तेंदुलकर जैसे अच्छे बैट्समैन है तो आप गारंटी दे सकते हैं आज आप 100 रन बनाएंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आज 10,000 रुपए का सेल होगा? मान लीजिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आप पेशेंट को बचा लोगे? किसी चीज की गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए, विविध चेष्टा, जो चेष्टा नहीं करेगा उसका तो वैसे भी नहीं होगा। तो इस रावण के बारे में एक कवि लिखते हैं, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती ता रावण घर दिया ना बाती। तो कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत पावरफुल है, हो सकता है कि वो उसका बेटा इंद्रजीत है, वो दशानन है, सारी 10 दिशाओं में उसका राज चलता है ना, उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन लाखों 1,00,000 पूत लाखों लाखों बच्चे हैं, 1,25,00,000 नाती, बहुत बड़ा कुटुंब है। लेकिन जब व्यक्ति ये नहीं समझता कि कर्म अपने आप में काफी नहीं है, कर्म के पीछे एक फाउंडेशन होनी चाहिए, तो क्या होता है, तारावण घर दिया ना बाती,
तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दिया बाती दिखाने वाला कोई नहीं था, रावण का अंतिम क्रिया करने वाला उसके परिवार में कोई नहीं था, विभीषण को करना पड़ा। चलिए, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग काफी अटैच्ड होते हैं। जैसे एक छोटा सा एक किसी ने वृतांत सुनाया था एक बार, तो एक व्यक्ति था वो बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस, लेकिन बड़ा सेठ था, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। तो बहुत बूढ़ा हो गया वो, 90 साल का हो गया, गेट बंद कर दो, वो 90 साल का हो गया। तो उसके बच्चे ने सोचा, अरे ये तो बड़ा हुआ भी किसी भी समय निपट सकता है, और जीवन भर तो इसने कुछ भक्ति किया नहीं है, कुछ परमार्थ किया नहीं है, पता नहीं मरने के बाद क्या गति होगी, तो इसको कम से कम आखिर में कुछ तीर्थ यात्रा करा लाता हूं, कुछ तो इसका भला होगा। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने उनको बनाया कि पिताजी मेरे साथ चलिए कहां, तीर्थ यात्रा पर। तो बहुत सारी जगहों पर तीर्थ यात्रा करने के लिए वो ले गए। तो फिर वो आए बनारस में, तो बनारस में आए तो बनारस में एक फेमस घाट है मणिकर्णिका, जो कि मोस्ट पॉपुलर घाट है दुनिया का, जैसे यहाँ उड़ीसा में पॉपुलर स्वर्ग द्वार। तो मणिकर्णिका घाट क्या है, उसकी खासियत यह है कि वहां पर एक शक्तिपीठ है। मणि मतलब क्या, हाँ ज्वेल, सम काइंड ऑफ ज्वेल और डायमंड और समथिंग, है ना। और कर्णिका जो कान में पहनते हैं, तो जो माता सती थी जिनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पे गिरे थे, तो उनके कान की जो मणि थी वो यहाँ गिरी थी, इसलिए इसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। और इसी नाम पे लक्ष्मी बाई का नाम भी रखा गया था, मणिकर्णिका। तो इस घाट की खासियत यह है कि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ अंतिम क्रिया होती है, जिसका यहाँ आखिर में जो है उसके अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, उस व्यक्ति के कान में साक्षात बाबा विश्वनाथ, वहां पे एक ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, सुना आपने नाम विश्वनाथ, आते हैं और क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, बाय बाय सी यू नहीं, तो ऐसे बोला गया, जासु नाम बल शंकर काशी एत सभी सम गति अविनाशी, जिसके नाम के बल पर शंकर काशी में सबको सम गति देते हैं, सायुज्य मुक्ति देते हैं, उस राम को मैं वंदन करता हूं। तो राम का नाम लेते हैं वो, जो व्यक्ति मरने, जो व्यक्ति का अंतिम है उसको राम का नाम वो सुनाते हैं, तो उस व्यक्ति को भी मुक्ति होती है। इसलिए मणिकर्णिका घाट में हमेशा भीड़ होती है, वो हमेशा वहां भरा रहता है, जलती रहती है लाशें, बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके प्रिय लोगों का अंतिम क्रिया वहां पर हो। तो वहां पर ये लोग गए, ये पिता गया, ये जो कंजूस सेठ था वो गया और उसका बच्चा गया। तो बच्चे ने बोला, पिताजी देखिए ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे लोग अब अपने मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में कुछ सोचिए, एक दिन आपको भी झलना पड़ेगा। तो पिताजी ने जब ये सुना तो रोने लगे, फुट फुट के रोने लगे। तो बच्चा सोचा चलो अच्छी बात है, कुछ तो इनके अंदर कॉमन सेंस आया कि चलो एक दिन मरना है। तो बोले चिंता मत करिए, अभी आपको मरने में कुछ समय है, हम लोग आपके साथ में, चिंता मत करिए। बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो किस लिए रो रहे हो, क्या हो गया? अरे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा जीवन सारा बर्बाद हो गया। अच्छा, आपका जीवन बर्बाद हो गया, क्यों, आपने भगवान हरि की भक्ति नहीं की इसलिए? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं क्या वो फालतू का बिजनेस कर रहा था, किराने का बिजनेस, मुझे यहां पे आके लकड़ी की दुकान खोलनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पे लकड़ी की दुकान खोलता तो कितनी लकड़ी बिकती और मैं कितना बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन हाय मुझे किसी ने बताया ही नहीं, अब जाके मुझे पता चल रहा है जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट बिकम वर्कहोलिक। हो सकता है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे मल्टी बिलियनियर्स, मल्टी ट्रिलियनियर्स, व्हाटएवर, जो आपको ये बोल सकते हैं, बट इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, देखो बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, अभी भी वन ऑफ द टॉप में है, लेकिन अगर वो इतना खुश होता तो काहे को उसका डिवोर्स होता, क्यों अमेजॉन वाले के गंजे का डिवोर्स हो गया? तो हमें लग सकता है एलन मस्क के सुपर हैप्पी, बस वो तो बिल्कुल भगवान ही है साक्षात, क्योंकि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरी की थाली में हमेशा में घी दिखता है। आप एक कार में आए हैं इस प्रोग्राम में, जो भिखारी वो सोच रहा है वाह सेठ जी का क्या जीवन है, उसको पता नहीं सेठ जी का क्या लफड़ा चल रहा है अभी पत्नी डांट रही है, ये बच्चों के ट्यूशन को ले जाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। तो नो वन कैन बी हैप्पी बाय दीज थिंग्स,
तो कुछ लोग इसको सुन के समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते तो ठीक है ट्राई करो, जब ट्राई कर लोगे 10 साल बाद 20 साल बाद फिर आना। तो एनीवे तो ट्राई करना चाहिए, बट अगर हम अपने काम में इतना जुड़ जाएंगे कि हमारे पास खुद की हेल्थ के लिए, परिवार के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान के लिए टाइम ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में हमको इसका इम्पैक्ट दिखेगा ही। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। सो भगवत गीता ये बोलती है, एक श्लोक है भगवत गीता में, हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे डायरेक्ट जा रहे हैं क्योंकि समय कम है। तो भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने कार्य से परफेक्शन पा सकता है, कब, जब वो सब यहां पे दिखा रहे संस्कृत में दिखा रहे सौ कर्मणाम, खुद के कर्म से सिद्धि मिल सकती है, कब, जब वह व्यक्ति जो है उस कर्म को भगवान से जोड़े। तो ये जब हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, ये स्टेटमेंट भगवत गीता में नहीं है, लेकिन हाँ इसकी फीलिंग भगवत गीता में जरूर है, इस तरह की फीलिंग जरूर है, जहां पे भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए भले ही उसमें कितने भी फॉल्ट्स क्यों ना हो। इट इज बेटर टू परफॉर्म वंस ओन ड्यूटी ऑल्दो इट मे बी फुल ऑफ फॉल्ट्स रादर टू परफॉर्म अनदर्स ड्यूटी, है ना। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट हो, आपको लगता है क्या पढ़ाई वढ़ाई करें, कितना लफड़ाबाजी है, बिजनेसमैन बन जाता हूं, पैसा कमाता हूं, क्योंकि मन का ये नेचर है कि मन जो है वो आपको हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहता है, चंचल है। लेकिन नो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू फोकस ऑन योर स्टडीज। जैसे आप देखोगे कई लोग जो होते हैं इंजीनियरिंग के बच्चे वगैरह होते हैं, वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते नेटवर्क मार्केटिंग और फलाना मार्केटिंग और ये और वो बहुत सारा ये सब खोल देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो अपने मेन स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो वो सोच ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तो वो 5,000-10,000 महीना कमा रहे हैं, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर स्किल्स, ऑन देयर कोर वैल्यूज, तो आगे चल के जो वो बहुत सारा कमा सकते थे वो उनका लॉस हो रहा है। नहीं, एक अच्छा इंजीनियर लाखों रुपए कमा सकता है महीना, लेकिन एक मीडियोकर इंजीनियर नहीं कमा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि नोबडी शुड थिंक दैट माई वर्क इज टू स्मॉल और वर्थलेस। प्रभुपा जी एक जगह ट्रांसमिशन लिखे, ए ऑनेस्ट स्वीपर इज बेटर देन ए आर्टिफिशियल रिनाउंसिएट। कोई व्यक्ति जो ईमानदारी से सड़क पर झाड़ू लगा रहा है वो बेहतर है उस व्यक्ति से जिसने उस काम को त्याग दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अप, है ना, क्योंकि वो उस काम को नहीं करना चाहता था आलस्य की वजह से या अपनी इमेच्योरिटी के कारण या अपने इग्नोरेंस के कारण। तो हम ये भगवत गीता में, भागवतम में ये बात जरूर है कि वर्क इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको वर्क को, हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए क्या यार ये फलाना आदमी तो इंजीनियर है, मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं तो आईटीआई कर पाया, ये फलाना आदमी तो डॉक्टर बन गया एम्स में है, मैं तो छोटे से इससे पढ़ रहा हूं, है ना। तो इस कारण से व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए ये सब बातें स्क्रिप्चर्स में जरूर है। ओके नेक्स्ट। तो भगवत गीता में, हाँ प्रो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यस, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स शास्त्रों में है, जैसे एक एग्जांपल है श्रीमद् भागवतम में आता है व्याद गीत। व्याद जानते हैं, व्याद, व्याद मतलब यस। तो श्रीमद् भागवतम में एक व्याद का गीत है, मतलब एक शिकारी कुछ, जैसे जैसे ये है भगवत गीता, यानी भगवान ने कुछ गीत सुनाया इसको आप गा सकते हैं एक्चुअली, है ना। ऐसे ही है व्याद गीत, रुद्र गीत, उद्धव गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, बहुत सारा है। तो ये व्याद गीत जो है इसको एक व्याद ने सुनाया, मतलब एक शिकारी एक सन्यासी को कुछ सुनाता है कि देखो ज्ञान की बातें मुझसे सीखो, और वो सन्यासी सीखता भी है उसमें। तो कई बार जो लोग इन सबको पढ़ते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे शिकारी मतलब यार वो तो रोज लोगों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है, हाँ वो तो तामसिक जीवन जी रहा है, वो कैसे सन्यासी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो व्याद गीत में ये बात सामने उठ के आती है कि एक्चुअली वो नॉर्मल व्याद नहीं था, वो एक विशेष व्यक्ति थे जो व्याद के रूप में आए थे, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ लीला ये समझाने के लिए कि कई बार हमको किसी भी सोर्स से अच्छा नॉलेज मिल जाए तो हमको उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। एक डिवोटी को कैसा होना चाहिए, ओ सार ग्राही वैष्णव सोल, दो आओ दो आर्ट एंड एंजल फेयर,
लीड मी ऑन टू वृंदावन एंड स्पिरिट पावर डिक्लेयर. हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी है ना, वो एक इंग्लिश में कविता लिखी है वो सारग्राही वैष्णव. तो उन्होंने सारग्राही वैष्णव को जो है एक स्वान से कंपेयर किया है. जैसे एक स्वान होता है हंस, हंस की एक बहुत खास खूबी होती है, कोई जानते हैं क्या? यस, अगर स्वान को हंस को आप एक सोल्यूशन दे दे, एक मिक्सचर दे दे मिल्क का और वाटर का, तो हंस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, पानी को रहने देगा केवल मिल्क को पी जाएगा. ये स्वान के अंदर एबिलिटी है. तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव को कैसा होना चाहिए, स्वान की तरह होना चाहिए, कि अगर उसको एक गंदा तालाब है, एक कीचड़ पड़ी है, पर कीचड़ में भी अगर कमल का पत्र है तो उस कमल के पत्र को उसने लेना चाहिए. तो यहां पे व्याद गीत का परपट यह है कि कई बार हमको ऐसे ऐसे सोर्सेस से नॉलेज मिल सकती है, हमको मोटिवेशन मिल सकता है, हमको स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल सकती है, जो कि हो सकता है ऑर्थोडॉक्स ना हो, यस, जो कि रिकमेंडेड ना हो, बट स्टिल वी शुड एक्सेप्ट इट. जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, तो प्रभुपाद जी को 1922 में पहली बार अपने गुरु महाराज से वो मिले थे. पहले इंस्ट्रक्शन में इनको बोला गया था प्रीच दिस नॉलेज इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. उस समय वो विवाहित थे, उनका एक बच्चा था, फिर उनका दीक्षा हुई 1933 में, तब तक उनके चार बच्चे थे, तीन बेटे एक बेटी थी. तो वो प्रयास कर रहे थे अपना बिजनेस के साथ साथ वो प्रयास कर रहे थे. तो 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन निकाला, मतलब मैगजीन जिसमें वो जो है स्पिरिचुअल पर उतना ज्यादा नहीं. तो एक दिन वो एक लाइब्रेरियन के पास गए और उसको बुक्स दिखाने लगे, ये मैगजीन्स, बंद कर दीजिए. तो लाइब्रेरियन को उन्होंने जब मैगजीन दिखाई ना, तो लाइब्रेरियन ने एक बहुत अच्छी बात बोली. उस लाइब्रेरियन ने बोला, स्वामी जी आप ये मैगजीन छाप रहे हैं अच्छी बात है, पर मैगजीन को व्यक्ति पढ़ के फेंक देता है या एक तरफ रख देता है. आप जिस प्रकार का कंटेंट लिखते हैं आपको बुक्स लिखनी चाहिए, क्योंकि बुक्स को व्यक्ति संभाल के रखता है. तो ये बात शिला प्रभुपाद के हृदय को टच कर गई. अब वो एक साधारण सा लाइब्रेरियन था, वो कोई बहुत बड़ा कोई महान पंडित या कोई बहुत बड़ा समाज का नेता ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो बात बोली, प्रभुपाद बाद में लिखते हैं लेटर में, मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरु उसके माध्यम से मुझे बोल रहे हैं कि बुक्स लिखो, मैगजीन्स मत छापो. तो फिर उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया भागवतम, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उस समय के प्रधानमंत्री आगे चल के जब वो इंडिया इवन इस्कॉन बनने के पहले भी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद उनकी बुक्स को पढ़ा और उसको रिकमेंड भी किया है. आप पिक्चर देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के साथ प्रभुपाद जी का पिक्चर भी है फेमस. तो कहने का तात्पर्य है, इसी तरह हम देखते हैं चिंतामणि, एक बहुत महान संत हुए दक्षिण भारत के, जिनका नाम था बिल्वा मंगल ठाकुर. कितने लोग नाम सुने हैं, थोड़ा आप लोग को आगे आना पड़ेगा. हरे कृष्ण आनंद जी, उनको जगह नहीं हो रहा है. माता जी एक तरफ बैठ जाए और उनको थोड़ा स्पेस आप लोग थोड़ा आगे हो. एक बहुत महान संत हुए बिल्वा मंगल ठाकुर दक्षिण भारत के. और बिल्वा मंगल ठाकुर क्या थे, एक बहुत अच्छे उन्नत परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, बहुत बढ़िया थे. लेकिन नहीं नहीं वो ब्राह्मण नहीं थे, वो थे वैश्य, लेकिन बहुत धार्मिक परिवार से थे. लेकिन उनके एक दोस्त ने एक बार उनको अपने गांव के नदी पार करके एक वैश्या के पास ले गया. तो क्योंकि वो तो डायरेक्ट वैश्या के पास जाएंगे नहीं, मतलब उस जमाने के वैश्या भी मतलब क्वालिटी होता था, ऐसे नहीं कोई मतलब कुछ भी कर दिया. तो वैश्या मतलब क्या थी, वो भगवान से रिलेटेड कुछ भजन वजन गाती थी, वो भजन गायिका थी वो. तो बोला कि बहुत सुंदर गाती है, तुम चलो. और क्योंकि भगवान के गीत गाते थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है. तो देखो माया आपको कैसे पकड़ती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि चलो वैश्य के पास जाओ तो थोड़ा जाएगा कोई व्यक्ति, इतना तो उसके अंदर बुद्धि है. लेकिन अगर बोलेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा गाया जा रहा है, कुछ भगवान का भजन हो रहा है, तो व्यक्ति धीरे हाँ चलो ठीक है. नहीं तो ऐसे ही
हम लोग भी कई बार इस तरीके से फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट पे कोई वीडियो है, तो जो व्यक्ति थोड़ा मैच्योर डिवोटी होगा वो अनाप सना वीडियो तो नहीं देखेगा, इतना तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ गया, रियलाइजेशन आ गया। लेकिन थोड़ा सा जो ऐसे वीडियो पेश किए जाते हैं जो कि थोड़ा सा कवर्ड है, मतलब उसमें पता नहीं चलता आपको कि क्या है, तो आप गए एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के नाम पे या एक मोरल प्रिंसिपल्स के नाम पे आप गए और आपको कुछ हल्का सा पकड़ा दिया गया, कुछ दिखा दिया गया, नहीं इस तरीके से धीरे धीरे माया कैचेस इंच बाय इंच। तो एनीवे वो उसके पास वो गए और उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया तो इनको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो उसके पास आने लगे, फिर दिन में 3-4 बार आने लगे, है ना, उसका गीत सुनने उनको पसंद था, कुछ वो काम नहीं करते थे, बस ये करते थे। और फिर उस वैश्य के प्रति वो इतना आकर्षित हुए, इतना आकर्षित हुए कि एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी का देहांत हो गया। अब पिताजी का देहांत हो गया है तो डेफिनेटली बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे। सुबह का टाइम था, वो तो बोला बोला कि ठीक है मैं रिचुअल बाद में करूंगा, पहले मैं चिंतामणि के पास जाऊंगा। उस वैश्य का नाम था चिंतामणि। तो सबने समझाया, अरे क्या बोल रहे हैं आप, कम से कम अभी तो रुको, पिता आप एकमात्र बच्चे हो, पिता का आपको सब अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। और उनकी पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन इतना अट्रैक्शन हो गया था उसके प्रति कि उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर बहुत प्रेशर हुआ, बहुत सोशल प्रेशर हुआ, इस कारण से उनको रुकना पड़ा। तो पंडित को बोले जल्दी जल्दी आग लगाओ, जो करना है जल्दी जल्दी करो, वहीं जाना है ना, रुक नहीं पा रहे थे अपने आप को। तो फिर जैसे भी ये पंडितों ने जल्दी जल्दी किया, जैसे भी किया, हाँ, तो शाम हो गई। तो शाम को तेज बारिश होने लगी, तूफान आने लगा। तो पत्नी ने समझाया कि देखिए आप कल सुबह चले जाइएगा, मतलब सोचो पत्नी भी इतनी अच्छी थी, धार्मिक, बोले ठीक है तुम्हें जाना है चले जाओ पर अभी मत जाओ। लेकिन बोले नहीं नहीं मुझे अभी के भी जाना है, और घर से छोड़ के भाग के चले गए। तो चले गए तो तेज बारिश हो रही है, नदी में पूरा उफान है, कोई नाविक भी नहीं है। तो कहा नाविक हो चाहे ना हो, मुझे जाना है तो जाना है। वर्क देखो, वर्क के प्रति कितना अपना जो जो ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति कितना अट्रैक्शन, कितना डेडिकेशन। तो बोला चाहे नदी पार करके जानी पड़ी मैं जाऊंगा। तो नदी को वो तैरने लगे, अब इतनी तेज नदी जा रही है तो नदी के प्रभाव में वो बहने लगे। तो उनको कुछ दिखाई दिया, कुछ उन्होंने सोचा कुछ लकड़ी का कुछ है, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसके सहारे वो नदी क्रॉस किए। नदी क्रॉस किए तब उनको पता चला अरे ये तो किसी की लाश थी, तो किसी के लाश के सहारे उन्होंने क्रॉस किया। फिर क्रॉस करके गए तो चिल्लाने लगे चिंतामणि चिंतामणि दरवाजा खोलो। अब चिंतामणि तो सो रही है, रात को, रात के 12 बज गए, उसको क्या पता था कि आएगा वो। उसने सोचा भाई अभी ऐसे मौसम में तो कोई नहीं आने वाला है, तो वो आराम से सो रही थी। तो ये बहुत आवाज कर रहे हैं, कोई कोई खोल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर चढ़ने का प्रयास किया घर के ऊपर टेरेस से। तो उनको कुछ दिखा, कुछ लता दिखी, तो लता से वो ऊपर चढ़ने लगे, उसका सहारा लेके जब वो ऊपर चढ़े तो पता चला वो लता नहीं थी, वो तो सांप था। तो सांप इतना, मतलब उसमें आशिकी का जो सीमा होती है, व्यक्ति को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वो उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के जब उन्होंने शोर शराबा किया, चिंतामणि उठी तो वो हैरान रह गई कि तुम मतलब यहाँ कर क्या रहे हो। बोले चिंतामणि मेरा तुमसे इतना प्रेम है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तो चिंतामणि बहुत गंभीर हो गई, तो उसने कहा कि विल्व तुम्हारा जितना आकर्षण मेरे शरीर के प्रति है, अगर इसका थोड़ा भी अगर कृष्ण के प्रति हो जाता तो अभी तक तो तुम कहां से कहां पहुंच जाते। तो ये बात बिल्व अंगल को बहुत गहरी लग गई, क्योंकि वो तो सब जानते थे, वो कोई ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, सब जानते थे कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, सब कुछ जानते थे। तो उनको ये बात बिल्कुल गहराई में लग गई। फिर उन्होंने चिंतामणि ने अगले दिन उस स्थान को छोड़ दिया, तो उन्होंने भी उस स्थान को छोड़ दिया। तो आगे चल के विल्वा मंगल ठाकुर जो है बहुत महान भक्त बने, बहुत ग्रेट डिवोटी, इतना ग्रेट उनका डिटर्मिनेशन था। एक दिन वो जा रहे थे रास्ते में, वृंदावन वो पहुंचने वाले थे, तो वो रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई चिंतामणि जा रही है मटका लेके, तो उसके पीछे दौड़ने लगे। तो चिंतामणि जो है एक घर के अंदर घुस गई, तो घर के बाहर एक व्यक्ति निकला, एक पुरुष निकला, बोले कौन है आप, यहाँ पे क्यों आए हो। बोले मेरी चिंतामणि इस घर के अंदर गई अभी। बोले यहाँ तो कोई चिंतामणि नाम का कोई नहीं रहता। बोले नहीं वो एक स्त्री जो अभी गई अंदर। बोले वो तो मेरी पत्नी है, वो तो चिंतामणि नहीं है। बोले नहीं नहीं मैं उनको अच्छी तरह देखता हूँ, आप उनको बुलाइए, मैं उनको देखना चाहता हूँ। अब वो व्यक्ति भी इतना साधु व्यक्ति था, इतना सरल व्यक्ति था, उसने कहा ठीक है उनको बुलाओ। तो वो जब अपनी पत्नी को बाहर बुलाया, तो जब उन्होंने बाहर बुलाया
तो देखा बिल्वा मंगल ने कि ये तो चिंतामणि नहीं है, तो उनको इतना आघात हुआ, उनको इतना दुख हुआ कि मेरा स्त्री के प्रति इतना तेज आकर्षण है कि मुझे हर जगह वही दिख रही है ना, और मैं अब दूसरी किसी महिला को भी इस तरह से देखने लगा हूं। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी आंखें, मेरी आंखें मुझे धोखा देती हैं। ऐसे बोला जाता है स्क्रिप्चर में कि काम वासना इंटर करती है आंखों के थ्रू, लस्ट इंटर्स थ्रू आईज, इसलिए आंखें सबसे खतरनाक चीज है। दोनों ही चीजों में आंखें अगर भगवान में लग जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा एसेट है, और अगर वो कहीं और लग जाए तो बहुत बड़ा खतरा भी है। तो बिल्वा मंगल ने क्या किया, बोला माता आपने जो अपना बांधा हुआ है ना, वो तो महिला थी, उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आपने जो चूड़ा बांधा हुआ है वो मुझे दे दो, हेयर क्लिप होता है ना जो, वो हेयर क्लिप उससे लिया और उसी हेयर क्लिप से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उसी समय, और अपनी आंखें फोड़ ली। वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने ये क्या किया, वो महिला चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो गया। तो वो व्यक्ति बोला मैं अभी बुलाता हूँ वैद्य को, बुलाता हूँ डॉक्टर को बुलाता हूँ। उससे बोला नहीं नहीं नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया है और मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस दुनिया को देखूं, क्योंकि इस दुनिया को देखने में मेरी भोग की क्षमता, मैं भोग जिसको देखता हूं उसको भोगना चाहता हूं, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस दुनिया को देखूं। मतलब ये सब बहुत उच्च स्तर की बातें हैं, लेकिन फिर भी जस्ट एक इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर जो है बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो जीवन भर अंधे थे, है ना, और उन्होंने धीरे धीरे अपना साधना किया, भजन किया, सैकड़ों साल तक वो वृंदावन में रहे, बहुत लंबी उनकी आयु थी। और बिल्वा मंगल ठाकुर कर में ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं एक ग्वाल बाल के रूप में आते थे और उनकी हेल्प करते थे। वो बोलते थे कि मैं गांव के पास में, इस गांव के पास में मैं एक ग्वाला हूँ, है ना, और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने आया हूँ। तो वो आते थे, अपने हाथ से कृष्ण उसको दूध पिलाते थे, उनके लिए कपड़े लाते थे, गोपियों से उनको बोलते थे उनके लिए कपड़े बनाओ, है ना, गोप सखाओं से बोलते थे तुम उसके लिए घर बनाओ, कृष्ण पर्सनली उनकी सेवा करते थे। और बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो एक दिन, ये जो ये था कानू जो था, जो कृष्ण था जो ग्वालों के रूप में आया था, ये इसके हाथ को जब बिल्वा मंगल ने पकड़ा तो वो समझ गए ये कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो उसके हाथों को जोर से पकड़ने लगे, तो कानू चिल्लाने लगा बिल्वा मुझे छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो बिल्वा मंगल का ये फेमस एक श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि कृष्ण तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैंने तुमको अपने हृदय के अंदर बांधा हुआ है, वहां से तुम कैसे निकल के भागोगे। तो इन्होंने एक स्क्रिप्चर लिखी है, बहुत फेमस स्क्रिप्चर है, कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत जो है, लेकिन अभी आप लोगों को किसी को उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो काफी डीप फिलोसफी है इसके अंदर। तो उसमें बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो इस तरीके से ग्लोरिफिकेशन किया राधा कृष्ण का कि कृष्ण के कर्ण को भी, कृष्ण के ईयर्स को भी वो अमृत के समान लगता है। और चैतन्य महाप्रभु की वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट बुक थी, चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत सुनते थे, उनको बहुत आनंद आता था। तो एनीवे, तो पॉइंट ये है कि वहां पे ये जो चिंतामणि है इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया कृष्ण कर्णामृत में। ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे श्लोक में हे चिंतामणि, हे मेरी गुरु, आपने मुझे मार्ग दिखाया। तो चिंतामणि एक प्रोस्टिट्यूट है, मतलब अगर हम लोग एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोस्टिट्यूट को बहुत नीचे दर्जे से दिखा जाता है, लेकिन उन्हीं प्रोस्टिट्यूट को इतने ऊंचे दर्जे में बिल्वा मंगल ठाकुर ने दिखाया है अपने गुरु की तरह, क्योंकि उसने ही एक्चुअली कृष्ण का मार्ग दिखाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में कि कोई भी वर्क, व्यक्ति प्रोस्टिट्यूट भी क्यों ना हो, लेकिन देर इज अ होप फॉर देम, है ना, एंड दे कैन बिकम द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। इसलिए किसी भी वर्क को, खासकर एथिकल वर्क को, हमें न्यूनतम नहीं मानना चाहिए। ऐसे और भी एग्जाम्पल से, पर हमारे समय कम है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो भगवत गीता जो है वो एक 3R फॉर्मूला देती है, ट्रिपल आर, ये 3R को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने सही तरीके से कर्मयोग के सिद्धांत को पालन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो पहला आर है राइचियसनेस। राइचियसनेस मीन्स सही कार्य करना, सही और गलत में भेद करना और सही विकल्प को चुनना। तो ये वाला श्लोक आप खोल सकते हैं शुभम प्रो, चैप्टर 18 वर्स 25। तो चैप्टर 18 वर्स 25 में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यों का वर्णन हुआ है,
कौन सा कार्य कैसा है, कौन सा कार्य सत्वगुणी है, कौन सा रजोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है। तो वहां पे ट्रांसलेशन पे चले जाओ डायरेक्ट। तो भगवान बोल रहे हैं द एक्शन परफॉर्म्ड इन इल्यूजन इन डिसरिगार्ड ऑफ स्पिरिचुअल इंजंक्शंस एंड विथाउट, थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है मिल गया, विथाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज और फॉर वायलेंस और डिस्ट्रेस कॉज टू अदर्स इज सेट टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कहने का तात्पर्य है कि हर कार्य कर्म योग नहीं होता। अगर चोरी बोलने लगे चोरी करना ही मेरा कार्य है तो चोरी करना ही मेरा धर्म है, एक मर्डरर ये बोलने लगे, एक रेपिस्ट ये बोलने लगे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? तो ऐसे ही हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा कोई भी कार्य हम कर रहे हैं फलाना ढिकाना वो कर्म है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कई बार चाहे अनचाहे हमसे पाप हो ही जाता है। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जॉन मोबिल के लिए काम करता था, तो हम लोग बिजनेस प्रोफेशन वाले यूनिट पे थे, मतलब कैसे सेल्स को इंक्रीज करें, तो आप बोल सकते हैं इसमें क्या पाप है, लेकिन एग्जॉन मोबिल दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, और जब ऑयल इतने बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल निकाला जाता है और जब उसको जलाया जाता है और वो जब कार्बन हमारे एनवायरमेंट में रहती है तो इट्स कॉजिंग बिलियंस ऑफ डेथ, लाखों लाखों जीव जंतुओं की मृत्यु होती है ग्लोबल वार्मिंग से। तो डेफिनेटली बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हालांकि वो बिल्कुल भी लिंक नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल कहाँ निकल रहा है, साइबेरिया में निकल रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है रशिया में हो रहा है, उसका प्रोडक्ट कहीं बन रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कहीं कहीं हो रहा है, और हम लोग उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ वी आर हेल्पिंग देम टू डू दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग द कर्म। तो इस प्रकार से ये कर्म का जो सिद्धांत है, हम लोग एक श्लोक देखेंगे अभी गीता का, ये बहुत बहुत इंट्रिकेटेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कहां पे कौन सी चीज होती है बहुत मुश्किल है समझ पाना। आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुख में है, कोई भिखारी है, आपने उसको 10 रुपए दान कर दिया, वो भिखारी गया और उसने उससे शराब पी ली, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हेल्प्ड हिम टू डू दैट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन विच इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए अगर हम सोचे कि हम परफेक्ट कर्म करेंगे, हर काम सही तरीके से करेंगे, तो हम लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, एवरी वर्क इज ऑक्यूपाइड विथ फॉल्ट्स, सेकंड चैप्टर में श्लोक है। जब भगवान ने बोल दिया तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं? अगर आप डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप जो है अपना धर्म निभा रहे हैं, आपने जो है आप इस बात को जानते होंगे फेमसली, क्या नाम था उस टायरेंट का जिसको, देयर वाज अ टायरेंट, कोई एक था जिसको जो बहुत घायल था और एक्चुअली जो मरने वाला था, लेकिन एक डॉक्टर ने उसकी जान बचाई और आगे चल के वो जो टायरेंट है, एनीवे आपने किसी की जान बचाई, आपने एक अच्छा कार्य किया, करता है, सो यू विल आल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हाँ यस 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 दैट्स दैट्स माय राइट पॉइंट यस हाँ सम क्रिश्चियन मिशनरी ही सेव्ड हिटलर व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। हाँ सही बोल रहे हैं। और एक और ऐसा उदाहरण था एक्चुअली, एक डॉक्टर ने किसी को बचाया था। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी कार्य चाहे हम कितने भी शुद्ध चेतना से करने का प्रयास करें, इट विल बी फुल ऑफ फॉल्ट्स बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसलिए भगवान ही बोल रहे हैं कि हाँ कॉन्शियसली हमको क्या करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के अनुसार कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो वॉयलेंस ये दूसरों को डिस्ट्रेस देता है, ये जो कार्य है इसको तो पूरी तरीके से हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कर्म योग या भक्ति योग में हमें कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे हम स्टूडेंट है, चाहे हम बिजनेसमैन है, या व्हाटएवर, लेकिन हर चीज को कृष्ण से जोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कि डायरेक्टली अगेंस्ट है धर्म के, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अगर आपको ठीक होना है तो आपको एटलीस्ट कुछ आदतों को, तो अगर डॉक्टर भी बोलता है चलो नॉनवेज छोड़ दो या शराब पीना छोड़ दो या शुगर लेना कम कर दो, है ना, तो एटलीस्ट आपको वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी चीजें धीरे धीरे होंगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ दोबारा पीपीटी। तो फिर ये है फर्स्ट आर है कि
हमने देखा कि हमको देखना है कि अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक और पॉइंट, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो ये है भगवत गीता का चैप्टर 4 वर्स 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि इंट्रिकेट्स ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर वन शुड नो प्रॉपरली व्हाट एक्शन इज, व्हाट इज फॉरबिडन एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन। भगवान बोल रहे हैं कर्म का सिद्धांत समझना बहुत कठिन है, इट्स लाइक अ रॉकेट साइंस, नॉट मेनी पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमको ये जानना चाहिए कि अच्छा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस दुर्गा बल्लभ जी, हम लोग लास्ट में इसको लेंगे ताकि हमारा फ्लो ब्रेक ना हो। तो हमको जानना पड़ेगा मुख्य तौर पे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है सा कर्म, सा मीन्स विच हेल्प्स, है ना, विच सप्लीमेंट्स। तो सा कर्म मतलब ऐसे कार्य जो कि शास्त्रों के अनुसार अलाउड है या शास्त्रों के अनुसार जो उचित है उसको सा कर्म बोलते हैं। फिर होते हैं वी कर्म, वी कर्म मतलब विरुद्ध है ना, जो शास्त्रों के अनुसार गलत है, जो विरुद्ध है। जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान के तहत कुछ चीजें जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, आप ये करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा ही, है ना, तो आप उसको वी कर्म बोल सकते हैं। और कुछ चीजें जो आप करोगे तो आप रिवॉर्ड होगे, है ना, अगर आप एक जवान है, सेना के जवान है, अगर आप एक दुश्मन को मारते हैं, अब आप डॉक्टर हैं, आप लोगों की जान बचाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप इतनी जॉब्स क्रिएट करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, है ना, और वहीं आप ये कार्य करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और तीसरा होता है अकर्म, अकर्म मतलब ऐसे कर्म जो कि ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है, विच आर डन ऑन अ विच आर नॉट डन टू गेट एनी मटेरियल फ्लेवर, यहाँ पे कुछ भी पाने के लिए नहीं किया जाता, उसको अकर्म बोलते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे धीरे धीरे, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो पहला आर था, क्या था पहला आर, राइचियसनेस, है ना। सेकंड है रिजल्ट्स, तो हमें रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स के प्रति अपने अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे आप ये श्लोक खोल सकते हैं चैप्टर 18 वर्स 27, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सत्वगुणी कार्य क्या होता है, सत्वगुणी कार्य किसको बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं रागी कर्म फल प्रेषु, नीचे कर दो डायरेक्ट, हम लोग ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। द वर्कर हु इज अटैच्ड टू वर्क एंड फ्रूट्स ऑफ वर्क डिजायरिंग टू एंजॉय दोस फ्रूट्स एंड हु इज ग्रीडी ऑलवेज एनवियस इम्प्योर एंड मूव्ड बाय जॉय एंड सोरो इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। तो सबसे खराब प्रकार का कार्य वो है जो कि शास्त्र के विरुद्ध होता है और दूसरों को दुख देने के लिए किया जाता है, वो है तमोगुणी कार्य। तो तमोगुणी से बेहतर है रजोगुणी। रजोगुणी क्या है, राजसिक, डोमिनेट करने के लिए, यानी कि कैसे मैं मेहनत करूंगा इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मैं ये इंद्रिय तृप्ति करूंगा, इससे मैं इतने लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करूंगा, इस प्रकार से मैं, और कोई अगर मुझसे ज्यादा कर रहा है तो मैं उससे एनवियस हो जाऊंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा पाने की ग्रीड रखूंगा, लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं राजसिक कार्य। तो भगवान बोल रहे हैं कि राजसिक कार्य क्या होता है, ये शुरू में अमृत के समान होता है लेकिन अंत में ये विष के समान बन जाता है, है ना। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज जो है जो कि अति मात्रा में हमारे लिए डेंजरस है, जैसे संस्कृत में कहावत है अति सर्वत वर्जते, अति हर चीज की वर्जन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपको रसगुल्ला पसंद है तो आपने रसगुल्ला खाया तो वो अमृत के समान लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको खाते जाओ, है ना, आप बहुत ज्यादा दिन में 20 रसगुल्ले खा रहे हो, या मान लो अगर आपको सिगरेट पीना पसंद है, आप फूकते जाओ, तो वो जो चीज जो आपको अभी आनंद दे रही है, जो आपको सेंस प्लेजर दे रही है, वो लॉन्ग टर्म में आपके विश बन जाएगा आपके लिए। नहीं, आपके अगर आप इतना ज्यादा शुगर इंटेक करोगे तो बॉडी का क्या होगा, इतना ज्यादा सिगरेट फूकोगे तो क्या होगा, नहीं, तो वो जहर के समान एक्ट करेगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग का वर्क हम करते हैं दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, है ना, जब हम कॉम्पिटिशन की फीलिंग से काम करते हैं तो वो जब हम लोग सक्सीड होते हैं तो बहुत आनंद देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट विल कॉज अस फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, क्योंकि हम हमेशा तो फर्स्ट नहीं आ सकते,
हर मैच में तो आप जीत नहीं सकते, हमेशा तो आप 100 नहीं मार सकते. एंड वन डे व्हेन यू हैव टू रिटायर, व्हेन यू विल बी फोर्स टू रिटायर, देन इट विल बी सोर्स ऑफ मिजरी. आप किसी वस्तु को चाहते हैं, किसी चीज को चाहते हैं, किसी व्यक्ति को चाहते हैं, तो अगर आपकी चाहत राजसिक है तो शुरुआत में वो आपको आनंद देगी, लेकिन वो चाहत हमेशा काम नहीं करेगी. फोन कभी कभी काम नहीं करेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, अरे यार क्या इतने सारे कॉल आए, इतने सारे मैसेज आए. वो व्यक्ति हो सकता है आपके फोन उठाना बंद कर दे, जिस व्यक्ति के प्रति आपका अटैचमेंट है वो आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा. और वो व्यक्ति या वो चीज जब चली जाएगी तो वो महान दुख का कारण बनेगा. नहीं तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मोटिव क्या है हमारे वर्क का, हमारा रिजल्ट्स के प्रति अगर अत्यधिक अटैचमेंट है, इसलिए शुरू से ही रिजल्ट्स के प्रति हमको अटैच नहीं होना चाहिए. और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पार्शियली हमको रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना चाहिए, ताकि हमको याद रहे कि भाई वो इज द बॉस. जब न्यूयॉर्क में पहली बार भगवान कृष्ण का एक विग्रह एस्टैब्लिश हुआ, तो वहां के भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी इस विग्रह का हम लोग क्या नाम रखेंगे, जैसे राधा कृष्ण है, राधा गोविंद है ना, या राधा गोपीनाथ है, तो ऐसे क्या रखेंगे नाम. तो प्रभुपाद जी ने बोला, मतलब ऐसे मजाक में प्रभुपाद ने बोला, यू कॉल हिम सर, कृष्ण को आप सर बोलिए, यू गो टू कृष्ण एंड से माय डियर सर दिस इज अवर प्रॉब्लम, टेल अस व्हाट टू डू एंड कृष्णा विल हेल्प यू. तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि क्योंकि वो लोग उस समय इतने मैच्योर नहीं थे, दे डिडंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट हु इज कृष्णा एंड थिंग्स लाइक दैट, तो जस्ट उनके अंदर ये भावना डालने के लिए कि हु इज द बॉस, हु इज द लॉर्ड, हु इज द सर, कि जब घर में कोई चीज आएगी तो फर्स्ट ऑफर टू हिम, जब कोई चीज आएगी तो हु इज द सेंटर ऑफ अवर एक्टिविटी, सेंटर ऑफ अवर लाइफ, वो याद दिलाने के लिए. तो जब कोई कार्य इस तरीके से नहीं किया जाता तो वो हमारे फ्रस्ट्रेशन का, हमारे बंधन का, और अल्टीमेटली हमारे मिजरीज का एक महान दुख का कारण बनता है. चलो नेक्स्ट पीपीटी. तो फिर बोल रहे हैं, तो पहला था हमारा पहला आर क्या था, राइटियसनेस. अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है कि नहीं. जैसे कैथोलिक्स का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, कैथोलिक्स जो है लॉकेट पहनते हैं, नहीं तो टैटू लगाते हैं, जिसमें लिखा रहता है WWJD. इसका मतलब जानते हैं आप? कभी आपका कोई क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं है, किसी के हाथ में नहीं देखा आपने? लॉकेट पहनते हैं, नहीं तो टैटूज लगाते हैं, या फिर कभी कभी बेल्ट भी पहनते हैं, और कोई ज्यादा पागल है तो शरीर में लिख लेता है. नहीं हाँ नहीं, क्रॉस वाला लॉकेट तो पहनते ही है, उसके अलावा ये भी पहनते हैं. उसका मतलब होता है व्हाट वुड जीसस डू. तो कैथोलिक्स को एक प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है, जैसे हम लोग को बचपन में सिखाते थे CBSE में, गांधी जी का क्या जंतर तंत्र क्या था, किसी ने पढ़ा है CBSE बुक्स में द तंत्र ऑफ गांधी जी? उसमें यह था कि गांधी जी बोलते हैं, अगर आप जीवन में किसी मुश्किल में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप सबसे गरीब व्यक्ति को याद करो, जिस सबसे गरीब व्यक्ति आपने जो देखा है, और आप वो चॉइस लो जो उस गरीब व्यक्ति को हेल्प करेगी, तो वो चॉइस आपको करना चाहिए. ये गांधी जी का फॉर्मूला था. ऑफकोर्स इट वोंट वर्क. तो क्रिश्चियंस का फॉर्मूला ये है कि आप कि जब भी जीवन में आपको कठिनाई है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, व्हाट वुड जीसस डू, जीसस क्राइस्ट होते तो वो क्या करते, है ना, ये आपको करना चाहिए. तो एनीवेज, एज फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, एज फॉलोअर्स ऑफ शिला प्रभुपाद, हमें अपने आप से ये नहीं पूछना चाहिए व्हाट वुड शिला प्रभुपाद डू. एक्चुअली व्हाट वुड जीसस डू इज नॉट गोइंग टू हेल्प मच, बिकॉज जीसस कैन डू मेनी थिंग्स व्हिच वी कांट डू, है ना. तो हम लोग अगर अपने आप से पूछेंगे ओके व्हाट वुड हनुमान जी डू, और व्हाट वुड नारद मुनि डू, व्हाट वुड शिला प्रभुपाद डू, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे. बट व्हाट वुड शिला प्रभुपाद वॉन्ट अस टू डू, इस सिचुएशन में प्रभुपाद हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमको उस पर मेडिटेट करना चाहिए. अगर हम इतना भी मेडिटेट कर लिए तो हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम करते नहीं है, हम बस मन की सुनते हैं, मन में जो विचार आता है हम कर बैठते हैं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जाइए स्लाइड पे PPT. यस,
तो ठीक है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट खोलो। तो एक पद्म पुराण में एक श्लोक है विच लाइक गिव्स यू द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग, जो है हमारा तीसरा आर। पहला था राइचियसनेस, सेकंड क्या था? रिजल्ट्स, और तीसरा है रिमेम्बरेंस। उसको करते समय हम किसको याद कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार दो ब्रह्मचारी जो थे, है ना, एक ब्रह्मचारी था और एक सन्यासी था। सन्यासी सीनियर, ब्रह्मचारी उसका असिस्टेंट था। वो लोग जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में आके एक नदी पड़ी। अब उनको नदी क्रॉस करनी थी, अब नदी क्रॉस करनी थी, और वहां पर एक प्रेग्नेंट महिला थी और कोई नाविक नहीं था, और वो बहुत तकलीफ में थी, चिल्ला रही थी थोड़ा, और कोई नाविक भी नहीं है, पता नहीं कब नाव आएगी क्या आएगी, कोई भरोसा भी नहीं। तो ये लोग का प्लान था कि ये लोग तैर के पार करेंगे, ये तो मतलब यंग लोग थे, इतना कुछ खास उनके लिए इशू नहीं था। तो इस महिला ने हेल्प मांगी कि आप मुझे हेल्प कीजिए इसको पार करने में, अब आप क्या करोगे? लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ डायलेमा, बिकॉज एक सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, दे आर नॉट सपोज टू टच वुमेन, दे आर नॉट सपोज टू लाइक फिजिकली हेल्प लाइक दिस। तो आप क्या करोगे? मान लो अगर आप होते तो क्या करते? फिर आपके नियम होगा क्या, आपके धर्म का क्या? जो चलो ठीक है। तो वो सन्यासी ने भी ऐसे ही किया, उसने उनका हेल्प किया। उसको अपने कंधे पे उठाया, उनको बिठाया और उसको ले जाने में हेल्प किया। धीरे धीरे करके उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस कर लिया, क्रॉस करके जो है उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, वो लोग आगे बढ़ गए। अब आगे तो बढ़ गए, पर ये ब्रह्मचारी के बाद ये मन में आया, ये क्या हो गया भाई ये तो हमको बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और ये तो खुद ऐसा कर दिए। तो उसके मन में चल रहा था, लेकिन बोले क्या करें, पूछेंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो बहुत समय तक उसके मन में बात थी, लेकिन वो नहीं पूछ पा रहा था, नहीं पूछ पा रहा था, नहीं पूछ पा रहा था। तो लेकिन जो मन में बात आती है वो फेस पे आई जाती है कुछ समय के बाद। तो कुछ समय के बाद नोटिस कर लिया गुरु ने, तो बोला क्या हुआ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो बोले गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया? बोले कैसा क्या किया? बोले आपने वो महिला को अपने कंधे पे चढ़ा लिया, आप तो सन्यासी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने महिला को अपने कंधे पे चढ़ाया था और उसको मैंने कुछ देर बाद उतार भी दिया, लेकिन उस महिला को तुमने अपनी बुद्धि पे चढ़ाया था और अभी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे मन में तो वही चल रहा है अभी तक। तो कहने का मतलब है, रिमेम्बरेंस का अर्थ है कि कई बार हम लोग डायरेक्टली सो कॉल्ड कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप्ड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन देगी कि आप जो है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आसानी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करो। तो कई बार हमको अडेप्ट करना पड़ता है, लेकिन तीसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रिमेम्बरेंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी दो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कि अगर हम उसको सही चेतना में कर रहे हैं, सही भावना में कर रहे हैं एटलीस्ट, तो एक्शन भले ही इट मे नॉट लुक, इट मे नॉट अपीयर टू बी द बेस्ट चॉइस, बट इट एक्चुअली इज द बेस्ट चॉइस, जैसे हमने इस बार इस केस में देखा। तो जैसे एक और उदाहरण है, तो एक बार एक राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था, राज ऋषि, तो उसका यश फैला हुआ था चारों ओर। तो कुछ सन्यासी लोग उसके पास आए, साधु लोग, तो साधु ने पूछा, राज ऋषि, राजन, आपको तो सब लोग बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, पर इतना ऐश्वर्य आपके चारों ओर है, इतनी सुंदर सुंदर आपकी पत्नियां हैं, इतना आपके पास धन है, आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते, कैसे आप जो है सही चेतना में रह पाते हैं? हमको तो डाउट हो रहा है इस बात पे कि हम तो वह जंगल में रहते हैं, वहां पर भी मुश्किल हो जाता है, तो कैसे हो पा रहा है? तो बोलता है ठीक है, आप लोग आज रात आप हमारे यहाँ रुकिए, आज रात को आपके लिए कुछ भोजन कराया जाएगा, उसमें आपको इस चीज का उत्तर मिलेगा। तो कहा ठीक है। तो ये रात का समय है ना, अभी पुराने जमाने की बात है ना, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इतना बहुत सारा चीजें नहीं होती थी, तो हल्का हल्का प्रकाश होता था दिए का। तो रात के समय उनको बुलाया गया और बुला के उनके लिए परोसा जाने लगा। तो उनके लिए जो बैठक थी, जो बैठने की व्यवस्था थी, वो जो बैठक थी
वो एक तलवार के ऊपर थी, एक तलवार थी और पास में बैठक थी, यानी अगर थोड़ा भी वो इधर उधर हुए तो कट सकते हैं तुरंत। तो उन्होंने कहा ये क्या है, हम ऐसे क्यों बैठेंगे? बोले नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बैठना जरूरी है। तो साधु बोला ठीक है, वो लोग बैठ गए। तो उनको खाना सर्व हुआ, प्रसाद सर्व हुआ, उन्होंने पाया, सब कुछ हो गया। तो होने के बाद उन्होंने पूछा राजा ने, तो आप लोगों ने ये प्रसाद ग्रहण किया, आप लोगों ने ये भोजन ग्रहण किया, तो आप बताइए, ये जब आप ये ग्रहण कर रहे थे तो क्या आप हमारे राजमहल की चकाचौंध से प्रभावित हुए? क्या आप हमारे पत्नियों से प्रभावित हुए? क्या आप हमारे धन से प्रभावित हुए? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ चल रहा था, कहाँ था ध्यान? तलवार पे। उनको पता है कि कुछ भी गलती हुई तो मृत्यु हो जाएगी। तो बोला ऐसे ही मैं हमेशा एक तलवार अपने गले में बांध के रखता हूं, मैं अपने हमेशा गले में तलवार बांध के रखता हूं, हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूं कि शरीर क्षणिक है, कभी भी जाना है। इस कारण से सब में होते हुए भी मैं उससे प्रभावित नहीं होता। तो भगवान ने गीता में भी इसका उदाहरण दिया है कि जैसे एक कीचड़ में एक कमल होता है, कीचड़ जो कमल होता है वो कीचड़ में कई बार रुक जाता है, तो कमल के ऊपर पत्र है, मान लो एक लीव है, लीव के ऊपर एक पानी की बूंद है, तो वो पानी की बूंद सच है, उसमें कोई मैल नहीं है। तो लेकिन वो पानी की मैल, वो जो बूंद है, वो तभी तक स्वच्छ है जब तक वो उस लीव के शरण में है। अगर वो अपना फोकस भूल जाएगी, अगर ज्यादा इधर उधर कुछ होगा तो फिर गिर जाएगी। तो इस प्रकार से सततम कीर्त, पद्म पुराण का एक श्लोक है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। बोल रहे हैं स्मर्तव्यो सततम विष्णु, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना, विष्णु को स्मरण करना सततम, सततम मतलब लगातार हमेशा, विस्मृत्यो, विस्मृत्यो मतलब भूलना, ना जातुचित किसी भी समय उनको ना भूलना, सर्वे विधि निषेधास्योर जितने शास्त्रों में विधि है मतलब रूल्स, और निषेध मतलब रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना है और क्या नहीं करना। तो शास्त्रों में जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, सुबह उठो, नहाओ धो, मंदिर जाओ, ये करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा कर्म करो, ऐसी ऐसी बात करो, जो कुछ भी है दुनिया भर की जो चीजें हैं, वो कुल मिला के इन दो लोगों का सर्वेंट है, किंकर। संस्कृत में सर्वेंट को किंकर भी बोला जाता है। किंग मतलब क्या, कर्म मतलब करूं, मतलब सर्वेंट नहीं खड़ा होता मालिक के सामने, हे प्रभु मैं क्या करूं, ऑर्डर दीजिए। तो ऐसे ही शास्त्रों के जितने भी रूल हैं वो केवल इन दो रूल्स के क्या हैं, क्या हैं, सर्वेंट्स हैं, और कोई भी रूल इनसे बढ़के नहीं है। ये रूल है सततम स्मरण करना भगवान विष्णु का, ये जो प्रभुपाद बोलते थे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड विस्मर्तव्यो न जातुचित, नेवर फॉरगेट कृष्णा। This is the very essence of scriptures. कि always remember Krishna and never forget Krishna. अगर आपने दुनिया भर की यात्रा कर ली, तीर्थ घूम लिए, तप कर लिया, यज्ञ कर लिया, दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए, तो उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है, पर कुछ खास नहीं। और अगर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए, आप कहीं नहीं जा सकते, आप घर में बंद हैं, आप जेल में कैद हैं, आपको कोई लिबर्टी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कृष्ण को स्मरण कर पाए तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी गॉट व्हाट इज द मैक्सिमम। तो ये जो रिमेम्बरेंस, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिमेम्बरेंस करना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी, इट इज इजियर सेड देन डन। चलो नेक्स्ट इस पे आओ। तो चैतन्य महापुरुष का सोल्यूशन देते हैं कि हाउ कैन वी डू दैट। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, किसी का क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, इस लिंक को खोलो। तो चैतन्य महापुरुष सिद्धांत समझाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। आपने देखा होगा हमारे ऑल्टर में 6 गोस्वामियों का फोटो होता है, जो चैतन्य महापुरुष के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन 6 गोस्वामी में एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बंगाली कायस्थ थे।
हाँ बट वो नॉर्थ इंडिया में कैस्ट अलग होता है, ईस्ट इंडिया कैस्ट अलग होता है, आप लोग ईस्ट इंडियन इसलिए आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में कायस का एक डिफरेंट मीनिंग है, यहाँ मतलब होता है कायस का मिक्स ऑफ क्षत्रिय एंड वैश्य, बंगाल में इसको कायस बोला जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप बोलोगे कि आपके लिए मैं 1 किलो बादाम लाया हूँ, तो व्यक्ति खुश हो जाएगा, अच्छा बादाम लाए हो, अरे वाह यार तुम मेरे सच्चे दोस्तों। लेकिन आपके यहाँ बादाम का कुछ और मतलब होता है, बादाम मतलब क्या है यहाँ, मूंगफली नहीं, और वहां बादाम का कुछ और ही मतलब होता है, क्या आलमंड्स। अब कहाँ मूंगफली 10 रुपये किलो होगी शायद, और कहाँ आलमंड 1000 रुपये किलो। तो थोड़ा सा अंतर है टर्मिनोलॉजी में। तो वो एक आयस थे, तो उस समय जो अर्ली 16th century में बंगाल वॉज द richest स्टेट इन द वर्ल्ड, richest स्टेट इन द वर्ल्ड। और वहां पे एक स्थान है, वहां के जो किंग्स थे, लोकल किंग्स, जमींदार, वो था मजुमदार फैमिली, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। तो ये दोनों भाई थे जो लिटरली बहुत सारी सिटीज उनके नाम पे थी, दे वन ऑफ द richest पीपल ऑफ दैट टाइम। और उनकी आय कितनी थी, उनकी सालाना आय थी आई थिंक 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, 12 लाख सोने के सिक्के, है ना। तो आप सोच रहे 12 लाख क्या है, 12 लाख तो आजकल हर कोई कमा लेता है, टीसीएस में मिलता है, बट सोने के सिक्के है ना, अभी तो सोने का दाम क्या आप समझ लो, आप उस जमाने के सबसे। तो दे वर द मल्टी बिलियनर पीपल। अभी जो दोनों भाई थे, इन दोनों भाई का, इन दोनों भाई में एक ही मतलब इनको जो बच्चे हुए उनमें केवल एक ही लड़का था, वो थे ये रघुनाथ दास कोसम, और कोई लड़का नहीं था, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस उनको मिलने वाला था। सो ही वॉज लाइक बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, आप बोल सकते हैं, नॉट ओनली सिल्वर स्पून, बॉर्न विद, इतने अमीर व्यक्ति थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो जब छोटी उम्र के थे, तो हरिदास ठाकुर उनके घर पे आते थे, उनको बुलाया जाता था प्रवचन देने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में वो सब सुनने के बाद इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, उनके मन में सांसारिक इच्छा चली गई। लेकिन घर वाले जानते थे कि ये तो बड़ा लफड़ेबाजी बात है, तो कुछ क्या कर रहा है पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे देखते हैं घर वाले जब देखते हैं कि बच्चा जो है हाथ से निकल रहा है, तो क्या करते, शादी कराए थे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कन्या से उसकी शादी कराई, और केवल सुंदर नहीं, बहुत सुशील और संस्कारी कन्या से शादी करा दी। तो जब चैतन्य, तो रघुनाथ दास गोस्वामी आपने देख लिया, ओ प्रभु आपको वो एग्जैक्ट लिंक खोलना पड़ेगा, 232। अच्छा ठीक है, शायद यहाँ पे ऐसा करो, जो ब्राउजर है ना, हाँ रुको रुको, ब्राउजर में जहाँ 2 लिखा है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 2 की जगह लिखो 232, हाँ 232, यस यस, अब एंटर करो। ठीक है, तो ये श्लोक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनको, वो क्या घर से भागना चाहते थे, तो उनके माता पिता को बात पता थी, तो वो क्या करते थे, बहुत सारा और बहुत सारे सिस्टम रखते थे कि भाग ना जाए। तो हमारा टॉपिक है ना कि वर्क इज वर्शिप, और वी हैव टू लाइक रन अवे एंड जस्ट गिव गेट रिड ऑफ वर्क। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता से एक बार पूछा, आज्ञा देह यज्ञ देखी प्रभुर चरण, अन्यथ ना रहे मोर शरीर जीवन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पिताजी से बोला कि कृपया मुझे जाने की परमिशन दीजिए, अगर आप मुझे चैतन्य महापुरुष से नहीं मिलने देंगे तो मैं अपने शरीर को अब रख नहीं पाऊंगा, अब मैं और नहीं जी पाऊंगा। तो पिता ने देखा कि इसका ये बहुत ज्यादा मतलब अब कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है ये पेशेंट, तो उन्होंने फिर परमिशन दिया। लेकिन नेक्स्ट, अभी कुछ श्लोक लगातार आगे बढ़ाने, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट जो श्लोक नेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करो। यस, तो फिर बोली, सुनीता ने पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पठाइला बलि शीघ्र आसिहा फ्रिया। तो जब देखा उनके पिता ने कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, कहीं पगला वगला ना जाए, तो उन्होंने उनकी इस बात को मान लिया। लेकिन उन्होंने बहुत सारा रुपया दिया, बहुत सारा लोग दिए, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ चैतन्य महाप्रभु के पास उनको भेजा। चलो आगे, तो
सात दिन शांति पूरे प्रभु संग रहे, रात्रि दिवसे ए मन कथा कहे। तो चैतन्य महापुरुष शांतिपुर में थे, जो मायापुर से पास में है, जहाँ पे अद्वैत आचार्य का घर है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण कथा सुना रहे थे, जिसको सात दिनों तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना। नेक्स्ट, सो ही वाज अ यंग मैन दैट टाइम, मे बी इन अर्ली 20s समथिंग। रक्षा केर हाथ मुनि के मेना छुटी बा, के मेना प्रभुर संगे नीला चला यबा। तो रघुनाथ यही सोच रहे थे, कैसे मैं इन बॉडीगार्ड से अपने आप को बचाऊंगा। चैतन्य महापुरुष शांतिपुर से नीलाचल चले जाएंगे, नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु पुरी आने वाले हैं, मैं क्या करूं कि ये बॉडीगार्ड से अपने आप को बचा के मैं भाग लूं, मैं निकल पाऊं पुरी की ओर, कैसे जा पाऊं। चलो नेक्स्ट। तो सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मान, शिक्षा रूपे कह तान आश्वस्य वचन। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो तो समझ जाते हृदय की बात। तो चैतन्य महाप्रभु उनके मन को समझ गए और उनको ये वचन कहे। नेक्स्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए। स्थिर है या घरे जाओ ना हो बाटूल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। है ना, बातूल मत बनो, बातूल मतलब पागल मत बनो, डोंट बी मैड। स्थिर हो या बी लिटिल सोबर, थोड़ा सा थॉटफुल बनो। घरे जाओ, गो बैक टू योर हाउस। और क्रमे क्रमे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होगा, पाए लोक भव सिंधु का। तुम चिंता मत करो, तुम भव सागर को पार कर जाओगे। तुम जो है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस को, मटेरियल वर्ल्ड को पार कर जाओगे, मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूं। लेकिन इस तरीके से पागल पर मत करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ, फिर ये बहुत महत्वपूर्ण फेमस श्लोक चैतन्य चरितामृत का। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखान, यथा योग विषय भुंज अनासक्त हान। बोले दुनिया को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य मत करो, लोक देखान, लोकों को, दुनिया को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य मत करो। इसका क्या मतलब हुआ? मरकट मतलब जानते हैं, बंदर। तो बंदर का वैराग्य कभी बताया मैंने, एक्सप्लेन किया है? क्या बताइए, मतलब मरकट को ये एक सिद्धांत होता है कि कई बार लोग वैराग्य लेना चाहते हैं ना, हम इस संसार में हमें कोई रुचि नहीं है, हम माया से निकलना चाहते हैं। तो कई बार उस वैराग्य को मरकट से कंपेयर किया जाता है। क्यों? इनको पता है, समीर को पता है। तो देखो, जो सन्यासी होता है, बैरागी त्यागी, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में। बंदर कहाँ रहता है? जंगल में। संसार जो त्यागी वगैरह होते हैं, वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं, नहीं ना के बराबर। तो बंदर कोई कपड़े पहनता है? नहीं पहनता। सन्यासी त्यागी जो लोग होते हैं, वो लोग नॉन वेज नहीं खाते, और बल्कि सरल फूड खाते, जैसे कि फल, फूल, है ना, रूट्स, ये सब खाते हैं ना। बंदर क्या खाता है? वो भी ये सब खाता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से बंदर के अंदर भी सन्यासी के सारे गुण हैं, लेकिन क्या वो वैरागी है? नहीं। बंदर की इतनी बंदरियों से संबंध होते हैं कि इसकी कोई तुलना नहीं है, है ना। दिन में कितनी बार कितनों के साथ रहता है, कोई तुलना नहीं है। और सन्यासी को होना चाहिए धीर, थोड़ा स्टेबल। लेकिन बंदर कभी स्टेबल बैठता है? हमेशा उछलता रहता है, इधर उधर 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 जाता रहता है। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, कि हम सोच रहे हैं कि हम बंदर की तरह कि सेफ्रॉन ओढ़ लेंगे, नहीं तो बाल उड़ा देंगे, नहीं तो किसी स्थान पर चले जाएंगे तो हम बहुत बड़े त्यागी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है मन के साथ। मन तो साथ में जाएगा, चाहे हिमालय में चले जाओ, चाहे पाताल लोक चले जाओ, मन थोड़ी ना आपको छोड़ने वाला है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे रघुनाथ दास स्वामी को, मरकट वैराग्य मत दिखाओ। क्या करो? यथा योग विषय भुंज, भुंज मतलब होता है भोगना, इंजॉय करना। बोले तुम गृहस्थ हो, तुम विषय को भोग सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग। लेकिन उसको कैसे भोगो? अनासक्त हैया। तो एक गृहस्थ को एक ब्रह्मचारी की तरह नहीं रहना चाहिए।
जैसे कई बार हम देखते हैं कि मान लो कोई शादी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो कोई पति या पत्नी वो सोचते हैं कि मैं अब ये मैरिड लाइफ में रहने नहीं चाहती, नो इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो जो है किसी और का धर्म है, वो ब्रह्मचारी और सन्यासी का धर्म है। गृहस्थ का धर्म अलग है। एक ब्रह्मचारी का धर्म है वो एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप रख सकता है वुमेन के साथ, वो उसके इनफॉर्मल रिलेशन उसको नहीं रखना चाहिए, है ना, उनके साथ पर्सनल या प्राइवेट स्थान पे नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए वो लागू नहीं है, उसके लिए उसको फ्रीडम दिया गया है कि ही कैन डू लाइक दिस, ही कैन डू लाइक दिस। तो हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म निभाना चाहिए, उसको अलग अलग मिक्स नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महापुरुष बोल रहे हैं, तुम मुझे देखा देखी कि मैं अगर सन्यासी हूं, मैं विरक्त हूं, मैं ऐसा पहनता हूं, तुम भी ऐसे हो जाओगे, ये सही नहीं है ना। तो चैतन्य महापुरुष उनको बोले कि आपको कैसे करना है, अनासक्त होकर काम करना है। जैसे महापुरुष फिर उदाहरण भी दिए, आगे चल के महापुरुष उदाहरण दिए, मान लो कोई एक स्त्री है जिसका अपने पति को छोड़ के किसी और से प्रेम है, तो अगर उस स्त्री का किसी और से प्रेम है लेकिन अभी वो घर को नहीं छोड़ सकती सामाजिक कारणों से, जो भी कारणों से, तो वो क्या करेगी, वो घर के काम कैसे करेगी बताओ, घर के काम अच्छे से करेगी कि नहीं, क्यों आपको लगता है ऐसा? हाँ, वो घर के काम इसलिए अच्छे से करेगी ताकि किसी को कोई शक ना हो, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगी तो लोग सोचेंगे क्या हुआ, इसका मन क्यों नहीं लग रहा है ना। तो वो घर के सारे काम अच्छे से करेगी ताकि लोगों का उसके ऊपर भरोसा आए और फिर वो समय निकाल के अपने प्रेमी के पास जा पाए। और वो घर के काम करती है, वो बर्तन धो रही है, जो कर रही है, लेकिन हमेशा मन में क्या चल रहा है, हाँ मेरा प्रेमी ये कर रहा होगा, मैं उसको जाके ये बोलूंगी, हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं। तो चैतन्य महापुरुष बोल रहे हैं हमको उसकी तरह होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि किसी और, इसका मतलब हम समझे, इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली कृष्ण को नहीं मिल सकते, तो अभी हमारे कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई चीजें हमको करने हैं, कई बर्तन मांज रहे हैं, कई कपड़े धोने हैं, तो वो सब करो, घर के काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, सब करो। वो लग रहा है कि दिखने में कि वो कृष्ण से रिलेटेड काम नहीं, लेकिन वो है। अगर हम याद कर पाए कृष्ण को तो इसलिए, तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला श्लोक। ऐसे एक और वैराग्य होता है शंशाम वैराग्य, वो कभी और बताएंगे। इसमें परपट में बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रकार के वैराग्यों को वर्णन किया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है इन चीजों को। फिर बोल रहे हैं महाप्रभु, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुमाए करीबे उद्धार। बोल रहे हैं अंदर अंदर निष्ठा करो, इंटरनली तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम फिक्स रखो कृष्ण को, बाह्य लोक व्यवहार, और बाहर से ऐसे व्यवहार करो जैसे सब नॉर्मल है, बिल्कुल एक कामी व्यक्ति की तरह लगो, तुम खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जो तुम्हें पहनना है पहनो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी तरीके से आम आदमी की तरह रहो। अचिरात, तो चिर मतलब होता है लंबे समय से, अचिरात मतलब जल्दी, अचिरात कृष्ण तुम्हारे, जल्दी ही कृष्ण तुम्हारा करीबे उद्धार, तुम चिंता मत करो, शीघ्र कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो वापिस आप पीपीटी में चले जाइए शुभ्रु, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत हमको, क्योंकि हमें से अधिकतर लोग जो है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मैरी और वी आर ऑलरेडी मैरिड, तो हमको समझना पड़ेगा कि वर्क को हमें एक समथिंग आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं देखना चाहिए। हर एक चीज हर एक क्षण को हमें ग्रेजुअली कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, हर एक रिलेशनशिप को, हर एक ऑब्जेक्ट को कृष्णाइज करना है। तो वो तब हो पाएगा जब वो करते समय हम कृष्ण का स्मरण कर पाए, और वो तब हो पाएगा जब हम कुछ समय अलग से निकाल के कृष्ण को स्मरण कर पाए, है ना। अगर मान लो वो प्रेमिका अपने प्रेमी को कभी मिलेगी नहीं, है ना, दिन में, हफ्ते में, या एटलीस्ट महीने में नहीं मिलेगी, तो फिर धीरे धीरे तो फिर समय के साथ वो छूटना चला जाएगा। तो ऐसे ही हमको दिन में कुछ समय निकाल कर, है ना, ये हरि नाम को अलग से बैठ के करना है ध्यान पूर्वक, हरे कृष्ण, ना हो सके एक माला, दो माला, चार, धीरे धीरे बढ़ाना है। जितना हम इसको अच्छे से कर पाएंगे उतना हम दिन भर कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, गीता भागवत को सुनना है। अगर हम ये नहीं करेंगे और हम सोचे कि हम डायरेक्ट कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, तो माइंड हमको धीरे से बेवकूफ बना देगा। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं सोचूं कि बैठ के पढ़ाई करने की क्या जरूरत है,
मैं मन में ही पढ़ते रहूंगा, सारे फॉर्मूले मन में चलते रहेंगे। तो हो सकता है दो चार फॉर्मूले चल भी जाए लेकिन फिर नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी सिद्ध पुरुष नहीं है, हम लोग कोई भाव या प्रेमी भक्त नहीं है, इसलिए हमको अपनी स्थिति पता होनी चाहिए। स्थिति यह है कि अगर हमने साधना अच्छे से नहीं की तो हम कृष्ण को याद नहीं रख पाएंगे जितना रखना चाहिए, और हमसे गलतियां होंगी, हम ऐसा कुछ बोल जाएंगे, हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे, हम ऐसा कर बैठेंगे जो कि फिर वीक कर्म या सकर्म हो जाएगा। और हमको ना वीक कर्म करना है ना सकर्म करना है, हमको अकर्म करना चाहिए। मतलब डू इट फॉर कृष्ण। इसका क्या मतलब है? अगर आप भोजन बना रहे हैं, आपने आग जलाई, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए, आप सब्जी खरीद के लाए तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, आपने गेहूं काटा है, चावल के पौधा काटा है, बहुत सारे प्राणियों की लाइफ ली आपने, तो आप पाप कर्म से आप बच नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कर दो। हाँ, तो जो इसको खुल सकते हैं, तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, आखिरी जो पूरा कंक्लूजन है भगवत गीता का, कितने लोग को पता है कंक्लूजन भगवत गीता का, सारी गीता को सब, अब करना क्या है ये बताओ, कौन सा श्लोक जानते हैं? हाँ, 18.66। तो भगवान बोल रहे हैं, सर्व धर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए देखो अर्जुन मेरी बात को समझो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कर्म का लॉ, फंस जाओगे, इसलिए सर्व धर्मान परित्याज, सारे धर्म, सारी धर्म मतलब ड्यूटी, सारे ड्यूटीज को एक तरफ कर दो, भूल जाओ कि तुम स्त्री हो, कि तुम पुरुष हो, कि तुम किसी के बेटे हो, कि किसी के बच्चे हो, कि तुम ये हो, कि तुम, एक मिनट के लिए भूल जाओ, पहले माम एकम शरणम ब्रजा, केवल मेरी और मेरी ही शरण में आओ, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। अहम, अब आप बोलोगे अरे नहीं, अगर मैं बेटे का धर्म नहीं निभाऊंगा तो मुझे उसका दोष लगेगा, अगर मैं अपना देश का भक्ति नहीं करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, भगवान बोल रहे हैं डरो मत, मा सुचा, डरो मत, अहम तम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्ति दिलाऊंगा। तो फर्स्ट ड्यूटी, व्हाट इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी, वो हमको सेट करना पड़ेगा। तो जब हम ये सेट करते हैं कि दिस इज आई एम गोइंग टू डू फॉर कृष्णा, देन वी विल बी एबल टू डू इट फॉर अदर्स ऑल्सो, बिकॉज कृष्णा इज द सेंटर। अभी हम अपने आप को सेंटर रखते हैं, मैं मेरे परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार है, ये बच्चे मेरे हैं, इस कारण से मैं उनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, पड़ोसी के बच्चे का नहीं करूंगा, है ना, ये मेरे पति या मेरी पत्नी है इसलिए मैं इनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और तो बहुत सारे यहाँ पे दुनिया में लोग हैं, उनका क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम द सेंटर। बट कृष्ण इज सेइंग मेक मी द सेंटर एंड देन यू डू द सेम थिंग्स, वही चीजें, बट यू मेक मी द सेंटर। तो ये है बेस्ट तरीका कर्म योग को भक्ति योग में कन्वर्ट करने का। देखो, कर्म योग और भक्ति योग और सामान्य कर्मी, तो चार प्रकार की कैटेगरी है, वो बोल के हम खत्म करते हैं। एक है सामान्य कर्मी, सामान्य कर्मी मतलब वो खुद कर्म करता है और एंजॉय करना चाहता है, सामान्य व्यक्ति। कर्मकांडी मतलब वो कर्म करके भगवान को अर्पित करता है इच्छा के साथ कि और बढ़ता जाए, कि तुम 1 रुपया दोगे मैं 10 लाख दूंगा, है ना, भगवान ये रिजल्ट निकलवा दे ऐसा प्रसाद चढ़ाऊंगा, और इतना प्रॉफिट करा दे इतने 1000 रुपए डालूंगा, है ना, इस प्रकार से। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पर ये भी अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा, एटलीस्ट भगवान की शरण में है, तो इसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग, यह कर्मकांड। फिर होता है निष्काम कर्मयोग, यह कर्मयोगी। तो कर्मयोगी क्या होता है, फल के प्रति आसक्ति नहीं है, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया सारा डोनेट कर दिया, बहुत मन करके उसने यश कमाया, उसने उसको यश का जो है भगवान को दे दिया, कि नहीं मैं तो गीता पढ़ रहा था इस कारण से मुझे मिला, इसमें मेरी कुछ वो नहीं है, लाइक दैट। लेकिन फिर भी कर्मयोगी और भक्तियोगी में अंतर है, क्या? कर्मयोगी फल से अटैच नहीं है लेकिन कर्म से अटैच है। तो एक बड़ा बिजनेसमैन आया, आपने उसको बोला मंदिर के लिए दान कीजिए, उसे दान कर दिया, लेकिन आपने उसको बोला आप झाड़ू लगा दीजिए, तो झाड़ू और मैं, वो नहीं करेगा, क्योंकि कर्म उसका अटैच है कि मैं तो यही कर्म कर सकता हूं, आप मुझे ये सेवा दे दो तो मैं करूंगा। और भक्ति योगी मतलब ना फल से अटैच ना कर्म से अटैच। तो बोला गया कि आप जाके बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दो तो वो भी कर देगा, बोला तुम झाड़ू लगा दो तो झाड़ू भी लगा देगा, नो अटैचमेंट, वेरी सिंपल। तो ये है भक्ति योग, कि उसमें किसी प्रकार कोई एक ही अटैचमेंट है कृष्ण से, कि कृष्ण के लिए अगर ये भी करना पड़े तो वो भी सही, और कुछ और भी करना पड़े तो वो भी सही।
ठीक है। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कर्मयोग इज टू ट्रांसफॉर्म कर्मयोग इनटू भक्ति योग। अगर हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बिकम ए निष्काम कर्मयोगी, अगर वो भी नहीं बन सकते एटलीस्ट बिकम अ सकाम कर्मयोगी, एटलीस्ट इतना तो करो, है ना। और जो जिस लेवल पे करेगा वो उतना ज्यादा ही विल बी एबल टू कट हिज कार्मिक रिएक्शंस एंड विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ हियर एंड देयर। थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, ऑनलाइन देखता हूँ किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या। दुर्गा बल्लभ जी का क्वेश्चन है, प्रभु ऐसे तो कर्म नहीं कर पाएंगे अगर पाप इंक्लूड है तो। मैंने आपको बोला पाप हमसे होगा ही, यू कांट एस्केप बैड इन दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड एंड बैड। जितना हो सके हमको गुड को चूज करना चाहिए, जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गलती से पाप होते हैं, देखो गलती से जो पाप होता है उसकी वो सजा नहीं मिलती, पहली बात। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है और कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली किसी को मार दे तो दोनों को एक एक समान सजा थोड़ी ना होगी, अलग अलग होगी ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लो जानवर को हत्या करके मार रहा है और कोई पेड़ पौधे को मार रहा है तो एक समान बात नहीं है, अलग अलग रिएक्शन है। तो ऐसे ही मान लीजिए हम दूसरे लोग को दुख दे रहे हैं, दूसरे जीव को दुख दे रहे हैं बाय मिस्टेक, तो उसका वो कर्म फल नहीं है, इट इज नॉट सो सिवियर, बट स्टिल है। तो एक बात तो ये कि जानबूझ के नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। और बेस्ट तरीका है कि डू इट फॉर कृष्णा। तो अगर हमसे कुछ गलती होगी भी, जैसे मान लीजिए इन्होंने मुझे बोला कि आप जो है 1,00,000 रुपया मुझसे लीजिए और इनको दे दीजिए, तो मैंने 1,00,000 रुपया इनसे लिया, इनको दे दिया। अब मान लीजिए 1,00,000 रुपये लेके भाग गए, ये 9-2 11 हो गए, तो क्या इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी आएगी? अरे आपने बोला मैंने दे दिया, अब आप जाने और वो जाने, क्योंकि मैंने तो आपके कहने पे किया ना। लेकिन अगर मान लो मेरा एक खुद का एक बिजनेस है, मैं यहां से लेता हूं वहां से देता हूं, लेन देन बिजनेस, तो मैंने इनसे लिया और इनको दिया, अब ये मुझे दे नहीं पाए और मैं इनको दे नहीं पा रहा हूं, तो ये तो मेरे पास आएंगे ही कि भैया आपने हमारा पैसा लिया था, कहाँ है, समझा रहे। तो ऐसे ही अगर मैं सोचता हूँ ये मेरा घर है, माई स्वीट होम, ये मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा कुटुंब है, तो फिर आपको गुड और बैड कर्म दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका है तो जिम्मेदारी भी लो। लेकिन दिस इज कृष्णास हाउस, घर का सबसे अच्छा कमरा मंदिर होना चाहिए फर्स्ट, ये नहीं किसी कोने में कहीं कहीं अलमारी के नीचे यहाँ दबे, हाँ ये लड्डू गोपाल का घर है, यहाँ ये ओनर ऑफ द हाउस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे दिन में 24 घंटे में हम 18 घंटे 20 घंटे इंद्रिय तृप्ति करते हैं और थोड़ा 5 मिनट भगवान के सामने झुक जाते हैं। तो दिस शोज की वॉट इज द प्रायोरिटी ऑफ कृष्णा इन अवर लाइफ। तो हमको वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो वो दिखेगा, रिजल्ट में दिखेगा, वो हमारे लाइफ में दिखेगा। ओ, आपका ये क्या है, 1981 खोला कि नहीं, 1981 ना, 1981 ओके, एंटर करना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ से, शिल्पा जी का क्वेश्चन है कि वो सूरदास जी का स्टोरी था। हाँ शिल्पा, सूरदास जी भी का स्टोरी भी सिमिलर है, और कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि सूरदास जी बिल्वा मंगल एक ही है, नहीं, क्योंकि दोनों के टाइमलाइन में बहुत अंतर है, सैकड़ों सालों का अंतर है। लेकिन हाँ स्टोरी ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है, लेकिन सूरदास जी की स्टोरी में कोई चिंतामणि स्तर का कोई नहीं है। उनके स्टोरी मतलब वो बचपन से अंधे थे, और बिल्वा मंगल ठाकुर जो है उन्होंने खुद अपनी आंख फोड़ी थी, तो दोनों में अंतर। सूरदास जी वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ। चलो यहाँ किसी का क्वेश्चन, कोई कमेंट? बहुत अच्छा। जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है ना अफगानिस्तान में, तो जो तालिबानी सैनिक होते हैं वो तो अपने मालिक के कहने पे, गवर्नमेंट ने बोला है आप जाओ इतने लोग को मार दो, इतनी मस्जिदों को उड़ा दो, इतने एम्बेसीज को उड़ा दो, तो वो तो अपना काम कर रहा है, उसको बोला गया है ऑफिशियल्स के द्वारा, वो तो सैनिक है। सोल्जर का काम है आईआई कैप्टन, जो कैप्टन ने बोला कर दिया, तो क्यों आप उसको आतंकवादी बोलते हो, क्यों उसको मारते हो? He is doing against the humanity.
हाँ, because he is going against the principles of humanity. So similarly, जैसे मैंने कहा, हर एक कर्म एक जैसा नहीं होता. अगर आपका कर्म, हमने पढ़ा ना गीता का 18 चैप्टर 65 श्लोक का, कि हमारा जो कर्म है 25 श्लोक का, वो दूसरे को दर्द पहुंचाता है. So it is a tamasic karma, and we will be liable for that. तो जरूरी नहीं है काटना, भूखे थोड़ी ना मर जाओगे कि अगर नहीं काटोगे तो. और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप ऐसे रेगिस्तान में कहीं फंस गए, या आपके पास कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ हो गया, तो फिर वो अलग बात है. दैट इज अंडरस्टूड, है ना. जैसे महाभारत में एक एग्जांपल है कि एक ऋषि का, जिनको जो है एक चिड़िया को मार के खाना पड़ा था, क्योंकि देयर वाज नथिंग टू ईट, समथिंग लाइक दैट. तो वो एक अलग बात है. तो वही किस भावना में आपने किया है उस पर डिपेंड करता है. या हम देखते हैं बाइबल में एग्जाम्पल है, ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस ने बोला अपने फॉलोअर्स को कि आपको ये फूड खाना है, स्टेपल फूड खाना है, साग सब्जी टाइप वो खाना है, और उनको लंबी जर्नी करनी थी. तो कुछ लोग उनकी बात माने, कुछ नहीं माने. कुछ लोगों ने लैम को काट के खा लिया. तो जो लोग नहीं माने, उनके साथ एक सर्टेन चीजें हुई. लेकिन उसी बाइबल में एग्जाम्पल है कि जीसस क्राइस्ट ने एक बार फिश दी थी खाने के लिए, वो एक एग्जाम्पल है. बट दैट वॉज लाइक देर वॉज नथिंग टू ईट. आप अगर आप बीच रेगिस्तान में हो, बीच समुद्र में, तो क्या करोगे? वहां थोड़ी ना आपको राइस दाल सब्जी डालमा मिलेगा. सो मतलब ये सी, और वो ऑडियंस भी एक डिफरेंट लेवल का है. कहने का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इन व्हाट सिचुएशन यू आर. तो अगर आप जीवो जीवस जीवनम, इस संसार में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आधारित है. दूसरे को मारना पड़ेगा जिंदा रहना है. तो हम भी दूसरे जीव को मार के खाते हैं, पौधे को मार के खाते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं है ना, डू मिनिमल डैमेज, कम से कम डैमेज करो. पौधे का और एनिमल का जो एक सिस्टम एक जैसा नहीं है, नर्वस सिस्टम उसमें नहीं है, उसको उतना दुख नहीं होता. समझ रहे हैं? ठीक है, आरती में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. शीला प्रभुपाद की जय.